ओम जय श्री जगन्नाथम। मित्रों, मैं पपेस आप सभी भक्त जनों को नमस्कार करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं अग्नि पुराण की अगला अध्याय। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पूर्ववर्तिनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करें तथा पूर्ववत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हाही हुहा। ये संधान मंत्र है। राग शुद्ध विद्या, नियति कला, काल माया तथा अविद्या, ये सात तत्व तथा र ल व श श स, ये छह वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं। अब रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बताया जाता है। प्रमथ, वामदेव, सर्वदेव उद्भव, भवोद्भव, वज्रदेव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशांत नामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, बभ्रु, अक्षय, शंभु, अदृष्ट रूप नामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्रांग तथा कल्याण, ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है। म और र बीज हैं। कुशा और हस्त जिह्वा दो नाड़ियां हैं। व्यान और नाद ये दो प्राण वायु है। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र दो इंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श तथा रूप ये तीन गुण कहे गए हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है, ओम हं हं। तत्पश्चात रक्त वर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। शिष्य के वक्ष में ताड़न, कलापाश का छेदन, शिष्य के हृदय में प्रवेश, उसके जीव चैतन्य का पाश बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करें। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोहण करके कलापाश का संग्रहण एवं कुंड में स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धति से करें। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। माता पिता का आवाहन आदि करके सशु शिष्य के हृदय में ताड़न करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार पहले अस्त्र मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश से विलक करें, फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करें, फिर वामा उद्धव मुद्रा द्वारा वागीश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करें। इसके बाद देह संपादन करें। जन्म, अधिकार, भोग, लय, स्रोत शुद्धि, तत्व शुद्धि, निशेष मलकर्मादि के निवारण, पाश बंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति हेतु स्वाहांत अस्त्र मंत्र से सब आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पाश बंधन को शिथिल करना, मल शक्ति का तिरोधान करना, कलापाश का छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अंकुराभाव संपादन तथा प्रायश्चित कर्म पूर्वोक्त रीति से करें। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन पूजन एवं रूप और गंध का समर्पण करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम रूप गंधा शुक्लम रुद्रम ग्रहाण स्वाहा। शंकर जी की आज्ञा सुनाकर कारण स्वरूप रुद्रदेव का विसर्जन करें। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसे पाश सूत्र में निवेशित करें, फिर जलबिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करें। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करें। विद्या में ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीज का प्रयोग होगा। ये सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद पूर्वोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करें। उसके लिए मंत्र है, ओम हां हां। शांति कला में दो तत्व लीन है। वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव। हकार और शकार ये दो वर्ण कहे गए हैं। अब भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है,
प्रभव, समय शुद्ध विमल शिव धन निरंजन, अंकार सुशेरा दीप्ताकरण, प्रदशेश्वर कालदेव सूक्ष्म और अम्बुजेश्वर यभुजेश्वर, ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित है। व्योम व्यापिने व्योम रूपाय सर्वव्यापिने शिवाय अनंताय अनाथाय अनाश्रिताय ध्रुवाय शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहराय, ये 12 पद है। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र है। बिंदु और जकार ये 2 बीज है। अलंबुषा और यशा ये 2 नाड़ियां हैं। क्रकर और कूर्म ये 2 प्राण वायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है, ईश्वर इसकी तुरिया अवस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्वत ताड़न छेदन हृदय प्रवेश चैतन्य का नियोजन आकर्षण और ग्रहण करें, फिर शांति के मुख सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोहण करके कला का ग्रहण कर उसे कुंड में स्थापित कर दें। तदनंतर ईश से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश, मैं मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूँ, तुम्हें इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आह्वान आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में योजित करें। तत्पश्चात पूर्वत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्म बीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करें। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए शस्त्र मंत्र से, स्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियां दें। इसी तरह पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार भी करें। कवच मंत्र से पाश की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियां दें। मल शक्ति तिरोधान के उपदेश से शस्त्र मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करें। इसी तरह पाश वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके विधियुक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से पाश का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हौ शांति कला पाशाय नमः, हौं हूं फट। इसके बाद पाश का विमर्दन तथा वर्तुलीकरण पूर्ववत अस्त्र मंत्र से करके उसे धृत से भरे हुए श्रुव में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र द्वारा उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्त्राय पट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आह्वान करके पूजा तर्पण करने के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ईश्वर बुद्धय अहंकारो शुक्लम स्पृहाण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की आज्ञा सुना दे, ईश्वर इस पशु के सारे पाश दग्ध हो गए हैं, अब तुम्हें इसके लिए बंधन कारक होकर नहीं रहना चाहिए। यो कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करें और रौद्री शक्ति से आत्मा को नियोजित कर दें। जैसे ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्य के जीवात्मा को गुरु अपने आत्मा में नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्धव मुद्रा के द्वारा इसके सूत्र में संयोजना करे और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखे। तदनंतर पुष्प आदि से पूजित अग्नि के पिता माता का विसर्जन करके विज्ञ पुरुष समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें भी पूर्ववत ताड़न आदि करना चाहिए, विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार शांति कला की शुद्धि बताई गई। निर्वाण दीक्षा की अवशिष्ट विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, विशुद्ध शांति कला के साथ शांतिचित कला का संधान करें। उसमें भी पूर्ववत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधान कला में इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम हा हो हम हा। शांतिचित कला में शिव और शक्ति ये 2 तत्व हैं। 8 भुवन है जिनके नाम इस प्रकार हैं, इंधक दीपक रोचक मोचक
उधर्वगामी, व्योम रूप, अनाथ और आठवा अनाश्रित। ओमकार पद है, ईशान मंत्र है, अकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं। नाद और हंकार ये दो बीज हैं। कुहू और संगिनी दो नाड़ियां हैं। देवदत्त और धनंजय दो प्राण वायु हैं। वाक और श्रोत दो इंद्रियां हैं। शब्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था पांचवी तुर्यातीत है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु है। इस तत्वादि संचय की शांतचित कला में स्थित है, ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करें। पढ़ंत मंत्र कलापाश का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करें। उसके बाद पढ़ंत मंत्र से जीव चैतन्य को पाश से वियुक्त करें। वशट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंगकुश मुद्रा या पूरक प्राणायाम द्वारा पाश का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्धव मुद्रा द्वारा हृदय से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्निकुंड में स्थापन करें। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करें। सदाशिव का आवाहन पूजन और तर्पण करके उनसे भक्ति पूर्वक इस प्रकार निवेदन करें। भगवान, इस साध संज्ञक ममोक्ष को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन पूजन एवं तर्पण संनिधान करके हृदय संपुटित आत्म बीज से शिष्य के वक्ष स्थल में ताड़न करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अस्त्र मंत्र द्वारा पाश युक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करें। फिर ज्येष्ठा अंकुश मुद्रा द्वारा संपुटित उसी स्वाहांत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करके नमोंत मंत्र से उसे अपने आत्मा में नियोजित करें। आकर्षण मंत्र तो वही ओम हाँ फट है, परंतु आत्म नियोजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ आत्मने नमः। पूर्ववत वामा उद्धव मुद्रा द्वारा माता पिता के संयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि से गर्भाधान आदि सब संस्कार करें। पाशबंध की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करें। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अस्त्र मंत्र से पूर्ववत 5-5 आहुतियां दें। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अस्त्र से पाशों का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम शांति तीत कला पाशाय हुं फट। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पूर्ववत उन पाशों को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए स्त्रू में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 और प्रायश्चित निषेध के लिए 8 आहुतियां दें। इसके बाद हृदय मंत्र से सदाशिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधि से अधिकार समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हा सदाशिव मनोबिंदु शुल्कम ग्रहण स्वाहा। तत्पश्चात उन्हें भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावे, सदाशिव इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, अतः अब आपको इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दें और सदाशिव का विसर्जन करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्र संहार मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा में संजोहित करके आत्मस्थ कर लें। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्धव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्ध जल की एक बूंद स्थापित कर दें। इसके बाद परम भक्ति भाव से क्षमा प्रार्थना करके माता पिता का विसर्जन करें। विसर्जन के समय इस प्रकार कहें, मैं शिष्य को दीक्षा के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है उसके लिए मुझे कृपा पूर्वक क्षमा दान करके आप दोनों अपने स्थान को पधारे। वशट मंत्र से अभिमंत्रित कर्तरी कटार द्वारा शिवास्त्र से शिष्य की 4 अंगुल बड़ी बोध शक्ति स्वरूपणी शिखा का छेदन करें। छेदन के मंत्र इस प्रकार है,
ओम हुम शिखाए हुम फट, ओम अस्त्राए हुम फट, उसे धृतपूर्ण स्क्रू में रखकर ओम फट, उसे धृतपूर्ण श्रुक में रखकर ओम फट, अंत वाले अस्त्र मंत्र से अग्नि में होम दे। मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम हम अस्त्राए हुम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुवा को धोकर शिष्य को स्नान करवाने के पश्चात स्वयं भी आचमन करें और योजनिका अथवा योजना स्थान के लिए अस्त्र मंत्र से अपने आप का ताड़न करें। तत्पश्चात वियोजन आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत द्वादशांत ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को ले आकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करें। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुक रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नियुक्त विधि से हाथ में लें। तत्पश्चात नादोच्चारण के अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर शांत एवं परम भाव से संपन्न हो कलश मंडल अग्नि शिष्य तथा अपने आत्मा से भी छह प्रकार के अद्भाव को ग्रहण करें। श्रुक के अग्रभाग में प्राणमयी नाड़ी के भीतर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करके क्रमशः सात प्रकार के विषु का ध्यान करें। उन सातों का परिचय इस प्रकार है, पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदयादि क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक है, तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है, नाड़ी संबंध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विषुव कहते हैं, शक्ति में लीन हुए नाद का पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसे शक्ति नामक विषु कहा गया है, संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघ कर उन्मनी में लीन होना काल विषु कहलाता है, ये छठा है, यह शक्ति से अतीत होता है, सातवा विषु है, तत्व संज्ञक यही योजना स्थान है। पूरा कर कुंभक करके मुख को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शिष्यात्मा का लय करें। उसका क्रम यो है, विद्युत सदृश छह अध्यायों के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करें। नाभि से ऊपर का एक बित्ते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है, उससे ऊपर हृदय से चार अंगुल की दूरी पर अकार का चिंतन करना चाहिए, यह ब्रह्मा का बोधक है, उससे आठ अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक पुकार है, उससे भी चार अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी प्रकार ललाट के मध्य भाग में ईश्वरवाचक बिंदु का स्थान है, ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध पर्यंत नादमय सदाशिव देव विराजमान है, उनके साथ ही वहाँ उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंततो गत्वा शक्ति को भी त्याग दें। वही दिव्य पिपलिका स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व परमानंद स्वरूप भाव शून्य मनोतीत नित्य गुणोदयशाली शिव तत्व में शिवात्मा के विलीन होने की भावना करें। परम शिव में योजना की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय वशट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ता रहे, फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन करें। उसकी विधि इस प्रकार है, निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुतियां दें। ओम हात्मन सर्वज्ञो भय स्वाहा, ओम हिम आत्मन नित्य तृप्तो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन अनादि बोधो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन अलुप्त शक्ति भर्वो स्वाहा, ओम हम आत्मन अनंत शक्ति भर्वो स्वाहा। इस प्रकार छह गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करें। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करें। ईशान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने के उत्तराभिमुख बिठावे और देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। प्रभो आपने मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, अतः नाथ देवता अग्नि तथा गुरु में इसकी भक्ति बढ़ाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिव को प्रणाम करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को उत्तम भक्ति भाव से आठ फूल चढ़ाकर
शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करवावे और यज्ञ का विसर्जन करे। एक तत्व दीक्षा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब लघु होने के कारण एक तात्विक दीक्षा का उपदेश दिया जाता है। यथा अवसर यथोचित रीति से स्वकीय मंत्र द्वारा सूत बंध आदि कर्म करें। तत्पश्चात काल अग्नि आदि से लेकर शिव पर्यंत समस्त तत्वों का प्रतिभावन चिंतन करें। शिव तत्व में अन्य सब तत्व धागे में मनकों की भांति पिरोए हुए हैं। शिव तत्व आदि का आवाहन करके गर्भाधान आदि संस्कारों का पूर्ववत संपादन करें, किंतु मूल मंत्र से सर्व शुल्क समर्पण करें। इसके बाद तत्व समूहों से गर्भित पूर्णाहुति प्रदान करें। उस एक ही आहुति से शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। शिव में नियोजन तथा स्थिरता का आपादन करने के लिए दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। उसे देकर शिव कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। अभिषेक आदि की विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद शिव का पूजन करके गुरु शिष्य आदि का अभिषेक करें। इससे शिष्य को श्री की प्राप्ति होती है। ईशान आदि आठ दिशाओं में आठ और मध्य में एक, इस प्रकार नौ कलश स्थापित करें। उन आठ कलशों में क्रमशः शारोद, शिरोद, दब्बुदक, धृतोद, ईश्वरसोद, सुरोद, स्वादुकक तथा गर्भोद इन आठ समुद्रों का आवाहन करें। इसी तरह क्रमानुसार उनमें आठ विथेश्वरों का भी स्थापन करें, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिखंडी, श्रीखंड, त्रिमूर्ति, एक रुद्र, एक नेत्र, शिवोत्तम, सूक्ष्म और अनंत रुद्र। मध्यवर्ती कलश में शिव समुद्र तथा शिव मंत्र की स्थापना करें। याग मंडप की दिशा के स्वामी के लिए रचित स्नान मंडप में दो हाथ लंबी और आठ अंगुल ऊंची एक वेदी बनावे। उस पर कमल आदि का आसन बिछाते और उसके ऊपर आसन स्वरूप अनंत का न्यास करके शिष्य को पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरण पूर्व पूजन करें। कांजी, भात, मिट्टी, भस, दुर्वा, गोबर के गोले, सरसों, दही और जल, इन सब के द्वारा उसके शरीर को मलकर शारोदक आदि के क्रम से नमस्कार सहित विद्वेश्वरों के नाम मंत्रों द्वारा पूर्वोक्त कलशों के जल से शिष्य को स्नान करावे और शिष्य मन ही मन ये धारणा करे कि मुझे अमृत से नहलाया जा रहा है। तत्पश्चात उसे दो श्वेत वस्त्र पहनाकर शिव के दक्षिण भाग में बिठावें और पूर्वोक्त आसन पर पुनः उस शिष्य की पहले की भांति पूजा करें। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग पट्टिका, कर्तरी, कैंची, चाकू या कटार, खड़िया, अक्षमाला और पुस्तक आदि समर्पित करें। वाहन के लिए शिविका आदि भी दें। तदनंतर गुरु शिष्य को अधिकार सौंपे, आज से तुम भली भांति जानकर अच्छी तरह जांच परख कर किसी को दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदि का उपदेश करना, यह आज्ञा सुनावे। तदनंतर शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर और महेश्वर को प्रणाम करके उस विघ्न समूह का निवारण करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभो शिव, आप गुरु स्वरूप हैं। आपने इस शिष्य का अभिषेक करने के लिए मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। ये संहिता में पारंगत है। मंत्र चक्र की तृप्ति के लिए पांच पांच आहुतियां दें, फिर पूर्णाहुति होम करें। इसके बाद शिष्य को अपने दाहिने बिठावे। शिष्य के दाहिने हाथ के अंगुष्ठ आदि अंगुलियों को क्रमशः दग्ध, दर्भांग, शंभ्रो से उषरत्व के लिए लांछित करें। उसके हाथ में फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिव को प्रणाम करवावे। तदनंतर उसके लिए कर्तव्य का आदेश दें। तुम्हें शास्त्र के अनुसार भली भांति परीक्षा करके शिष्यों को अनुग्रहित करना चाहिए। मानव आदि का राजा की भांति अभिषेक करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ओम श्री पशु फट, ये अस्त्र राज पशुपत मंत्र है। इसके द्वारा अस्त्र राज का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। देवार्चन की महिमा तथा विविध मंत्र एवं मंडल का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद अभिषेक हो जाने पर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओं का पूजन करे, जो शंख, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ देवताओं को पंचगव्य से स्नान कराता है। वो अपने कुल का उद्धार करके स्वयं भी देवलोक को जाता है। अग्निनंदन कोटि पांच
सहस्र वर्षों में जो पाप उपार्जित किया गया है वो सब देवताओं को घी का अभंग लगाने से भस्म हो जाता है। एक अढ़ घी आदि से देवताओं को नहलाकर मनुष्य देवता हो जाता है। चंदन का अनुलेप लगाकर गंध आदि से देव पूजन करें तो उसका भी फल वही है। थोड़े से आयास के द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओं की स्तुति की जाए तो वे भूत और भविष्य का ज्ञान, मंत्र ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्र के शुभाशुभ फल के विषय में प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता के संक्षिप्त प्रश्न वाक्य के अक्षरों की संख्या गिन ले, उस संख्या में दो से भाग दे, एक बचे तो शुभ और शून्य, या दो बचे तो अशुभ फल जाने। तीन से भाग देने पर मूल धातु रूप जीव का परिचय मिलता है, अर्थात एक शेष रहे तो वात जीव, दो शेष रहे तो पित्त जीव, और तीन शेष रहे तो कफ जीव जाने। चार से भाग देने पर ब्राह्मणादि वर्ण बुद्धि होती है, तात्पर्य ये कि एक बाकी बचे तो उस मंत्र से ब्राह्मण बुद्धि, दो बचने पर क्षत्रिय बुद्धि, तीन बचने पर वैश्य बुद्धि, और चार शेष रहने पर शूद्र बुद्धि करें। पांच से भाग देने पर शेष के अनुसार भूत तत्व आदि का बोध होता है, अर्थात एक आदि शेष रहने पर पृथ्वी आदि तत्व का परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय पराजय आदि का ज्ञान प्राप्त करें। यदि मंत्र पद के अंत में एक त्रिक, तीन बीजाक्षर हो, अधिक बीजाक्षर हो, अथवा दो प म एवं क हो, तो इनमें से प्रथम वर्ग अशुभ, बीज वाला मध्यम, अंतिम वर्ग शुभ है। यदि अंत में संख्या समूह हो तो वो जीवन काल के 10 वर्ष का सूचक है। यदि 10 की संख्या हो तो 10 वर्ष के पश्चात उस मंत्र के साधक पर यमराज का निश्चय ही आक्रमण हो सकता है। सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा तथा श्री विष्णु भगवान के मंत्रों के द्वारा, अक्षरों द्वारा, जप में तत्पर कठिनी, अंगुष्ठ अंगुली से स्पर्श किए गए कमल पत्र में गोमूत्राकार रेखा पर एक त्रिक से आरंभ कर 12 तिक पर्यंत लिखें, अर्थात उक्त मंत्रों के तीन तीन अक्षरों का समुदाय एक से लेकर 12 स्थानों तक पृथक पृथक लिखें। इसी प्रकार 64 कोष्ठों का एक मंडल बनाकर उसमें मरुत, यम, व्योम, हम और मरुत, यम, इन तीन बीजों का त्रिक पहले कोष्ठ से लेकर 8वें कोष्ठ तक लिखें। इन सब स्थानों पर पासा फेंकने से अथवा स्पर्श करने पर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है। विषम संख्या वाले स्थानों पर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ, और सम संख्या पर पड़े तो अशुभ फल होता है। यम हम यम इन तीन बीजों के 8 त्रिक हैं। ये ध्वज आदि 8 आयों के प्रतीक हैं। इन आयों में जो सम है वे अशुभ हैं, विषम आय शुभ प्रत कहे गए हैं। क आदि अक्षरों को 16 स्वरों से तथा 16 स्वरों को क आदि से युक्त करके उन सब के साथ आ ई ये पल्लव लगा दें। पल्लव युक्त इन सस्वर आदि स्वरों को आदि में रखकर उनके साथ त्रिपुरा के नाम मंत्र को पृथक पृथक संबद्ध करें। उनके आदि में ओम हिम जोड़ें और अंत में नमः पद लगा दें। इस प्रकार पूजन कर्म के उपयोग में आने वाले इन मंत्रों का प्रस्तार 20,160 की संख्या तक पहुंच जाता है। आम हिम इन बीजों से युक्त सरस्वती, चंडी, गौरी तथा दुर्गा के मंत्र है। श्री देवी के मंत्र आम श्री इन बीजों से युक्त है। सूर्य के मंत्र आम शौ इन बीजों से, शिव के मंत्र आम हौ इन बीजों से, गणेश के मंत्र आम ग इन बीजों से तथा श्री हरि के मंत्र आमम इन बीजों से युक्त है। आदि व्यंजन अक्षरों तथा अकरादि 16 स्वरों को मिलाकर 51 होते हैं। इस प्रकार सस्वर कादि अक्षरों को आदि में और सस्वर श से लेकर क तक के अक्षरों को अंत में रखने से संपूर्ण मंत्र बनते हैं। 1414 संपूर्ण मंडल होने से सूर्य, शिव, देवी, दुर्गा तथा विष्णु में से प्रत्येक के 360 मंडल होते हैं। अभिषिक्त गुरु इन सब मंत्रों तथा देवताओं का जप ध्यान करें तथा शिष्य एवं पुत्र को दीक्षा भी दें। प्रतिष्ठा के अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब मैं संक्षेप से और क्रमशः प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पीठ शक्ति है और लिंग शिव, इन दोनों पीठ और लिंग अथवा शक्ति और शिव के योग में शिव संबंधी मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि संपादित होती है। प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा आदि 5 भेद हैं, उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिला का योग हो
वहाँ विशेष रूप से की हुई स्थापना प्रतिष्ठा कही गई है। पीठ पर ही यथा योग्य जो अर्चा विग्रह को पधराया जाता है उसे स्थापन कहते हैं। प्रतिष्ठा ब्रह्मशिला से भिन्न के स्थापना को स्थिर स्थापना कहते हैं। लिंग के आधार पूर्वक जो स्थापना होती है उसे उत्थापन कहा गया है। जिस प्रतिष्ठा में लिंग को आरोपित करके विद्वानों द्वारा उसका संस्कार किया जाता है उसकी आस्थापन संज्ञा है। ये शिव प्रतिष्ठा के 5 भेद हैं। आस्थापन और उत्थान भेद से विष्णु आदि की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की मानी गई है। इन सभी प्रतिष्ठाओं में चैतन्य स्वरूप परम शिव का नियोजन करें। पद्भवा आदि भेद से प्रासादों में भी 5 प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। प्रासाद की इच्छा से पृथ्वी की परीक्षा करें, जहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी की सुगंध आती हो वो भूमि ब्राह्मण के लिए उत्तम बताई गई है। इसी तरह क्रमशः क्षत्रिय के लिए लाल तथा रक्त की सी गंध वाली मिट्टी, वैश्य के लिए पीली और सुगंध युक्त मिट्टी वाली तथा शूद्र के लिए काली एवं सुराखी सी गंध वाली मिट्टी से युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गई है। पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सबोर नीची और मध्य में ऊंची भूमि प्रशस्त मानी गई है। 1 हाथ गहराई तक खोदकर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाती है तो वहाँ की भूमि को उत्तम समझें, अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करें। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि का खोदने, वहाँ गुओं को ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदि के द्वारा अच्छी तरह शोधन करें। नगर, ग्राम, दुर्ग, ग्रह और प्रासाद का निर्माण कराने के लिए उक्त प्रकार से भूमि शोधन आवश्यक है। मंडल में द्वार पूजा से लेकर मंत्रण पर्यंत संपूर्ण कर्म का संपादन करने के विधि पूर्वक घोरास्त सहस्त्र याग करें। बराबर करके लिपी हुई भूमि पर दिशाओं का साधन करें। सुवर्ण, अक्षत और दही के द्वारा प्रदक्षिणा कर्म से रेखाएं खींचें। मध्य भाग में ईशान कोष्ठ में स्थित भरे हुए कलश में शिव का पूजन करें, फिर वास्तु की पूजा करके उस कलश के जल से कुदाल आदि को सींचें। मंडप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विधि पूर्वक बलि दें। कलश में पूजा करके लग्न आने पर अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में पहले जिसका अभिषेक किया गया था उस मधुलिप्त कुदाल से धरती खुदवावें और मिट्टी को नैऋत्य कोण में फेंकें। खोदे गए गड्ढे में कलश का जल गिरा दें, फिर भूमि का अभिषेक करा के कुदाल आदि को नहलाकर उसका पूजन करें। तत्पश्चात दूसरे कलश को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण के कंधे पर रखकर गाजे बाजे और वेद ध्वनि के साथ नगर की पूर्व सीमा के अंत तक जितनी दूरी तक जाना अभिष्ट हो उतनी दूर ले जाएं और वहां क्षण भर ठहर कर वहां से नगर के चारों ओर प्रदक्षिणा कर्म से चलते हुए ईशान कोण तक उस कलश को घुमावें। साथ ही सीमांत चिन्हों का अभिषेक करता रहे। इस प्रकार रुद्र कलश को नगर के चारों ओर घुमाकर भूमि का परिग्रह करें। इस क्रिया को अर्धदान कहा गया है। तदनंतर शल्य दोष का निवारण करने के लिए भूमि को उतनी गहराई तक खुदवावें जिससे कंकड़ पत्थर अथवा पानी दिखाई देने लगे, अथवा यदि शल्य हड्डी आदि का ज्ञान हो जाए तो उसे विधि पूर्वक खुदवा कर निकाल दें। यदि कोई लग्न काल में प्रश्न पूछे तो उसके मुख से अ क च ट त प स और ह इन वर्गों के अक्षर निकले तो इनकी दिशाओं में शैल्य की स्थिति सूचित होती है, अथवा द्विज आदि वहाँ गिरे तो ये सब उस स्थान में शैल्य होने की सूचना देते हैं। कर्ता के अपने अंग विकार से उसके ही बराबर शैल्य होने का निश्चय करें। पशु आदि के प्रवेश से, कीर्तन से तथा पक्षियों के कलरवों से शैल्य की दिशा का ज्ञान प्राप्त करें। किसी पट्टी पर या भूमि पर अकारादि 8 वर्गों से युक्त मात्र का वर्णों को लिखें। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान तक की दिशाओं में शैल्य की जानकारी प्राप्त करें। अ वर्ग में पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान करें। क वर्ग में अग्नि कोण की ओर कोयला जाने। च वर्ग में दक्षिण दिशा की ओर भस्म तथा ट वर्ग में नैऋत्य कोण की ओर अस्थि का होना समझें। त वर्ग में पश्चिम दिशा की ओर ईंट। प वर्ग में वायव्य कोण की ओर खोपड़ी। य वर्ग में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे और कीड़े आदि
और सवर्ग में ईशान कोण की ओर लोहे का होना बतावे। इसी प्रकार ह वर्ग में चांदी होने का अनुमान करे। छ वर्ग युक्त दिग्भाग से उसी दिशा में अन्य अनर्थकारी वस्तुओं के होने का अनुमान करे। एक एक हाथ लंबे नौ शिलाखंडों का प्रोक्षण करके उन्हें आठ आठ अंगुल मिट्टी के भीतर गाड़ दें। फिर वहाँ पानी डालकर उन पर मुंदर से आघात करें। जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भाग तक गड्ढे के भीतर धंस जाए तब उस खात को भरकर लीप पोत कर वहाँ भूमि को बराबर कर दें। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्ध हाथ में लिए आगे बताए जाने वाले मंडल या मंडप की ओर जाए। मंडप के द्वार पर द्वारपालों का पूजन आदर सत्कार करके पश्चिम द्वार से उसके भीतर प्रवेश करें। वहाँ आत्म शुद्धि आदि कुंड मंडप का संस्कार करें। कलश और वारधानी आदि का स्थापन करके लोकपालों तथा शिव का अर्चन करें। अग्नि का जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत करें। तत्पश्चात गुरु यजमान के साथ शिलाओं के स्थान मंडप में जाए। ये शिलाएं प्रसाद लिंग के चार पाए हैं। उनके नाम हैं क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि। उनकी ऊंचाई आठ अंगुल की हो तो अच्छी मानी गई है। वे चौकोर हो और उनकी लंबाई एक हाथ की हो तो इस माप से प्रस्तर की शिलाएं बनवानी चाहिए। ईंटों की शिलाओं का माप आधा होना चाहिए। प्रस्तर खंड से बने हुए प्रासाद में जो शिलाएं उपयोग में लाई जाएं अथवा ईंटों के बने हुए मंदिर में जो ईंटें लगे उनमें से नौ शिलाएं अथवा ईंटें वज्र आदि चिन्हों से अंकित हों अथवा पांच शिलाएं कमल के चिन्हों से अंकित हों। इन अंकित शिलाओं से ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। पांच शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन पांचों के निधि कुंभ इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर और समुद्र। नौ शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, विजया, मंगला और नवमी शिला धरणी है। इन नौ के निधि कलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए: सुभद्र, विभद्र, सुनंद, पुष्पदंत, जय, विजय, कुंभ, पूर्व और उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र मंत्र से ताड़न और उल्लेखन करने के पश्चात इन सब शिलाओं को सामान्य रूप से कवच मंत्र से अवगुंठित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र के अंत में ओम फट लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कषाय तथा गंधयुक्त जल से मल स्नान करावे। तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंधयुक्त जल से स्नान कराने के अनंतर अपने नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल रत्न, सुवर्ण तथा ग्रोश्रिंग के जल से और चंदन से शिला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करें। कुडत्त आसन देकर याग मंडप की परिक्रमा करके उस शिला को ले जाएं और हृदय मंत्र द्वारा उसे शैया अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दें। वहाँ पूजन करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूहों का न्यास करने के पश्चात त्रिखंड व्यापक तत्व त्रय का उन शिलाओं में क्रमशः न्यास करें। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त के भीतर मात्रका तक और तन्मात्रा से लेकर पृथ्वी पर्यंत शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तीनों तत्वों का अपने मंत्र से और तत्वेशों का हृदय मंत्र से पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शिव तत्वाय नमः, ओम हा शिव तत्वाधिपाय रुद्राय नमः, ओम हा विद्या तत्वाय नमः, ओम हा विद्या तत्वाधिपाय विष्णवे नमः, ओम हा आत्म तत्वाय नमः, ओम हा आत्म तत्वाधिपते ब्राह्मणे नमः। प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शिला में पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश इन आठ मूर्तियों का न्यास करें। फिर क्रमशः सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर या ईशान, महादेव या भीम इन मूर्तिश्वरों का न्यास करें। मूर्तियों तथा मूर्तिश्वरों के मंत्र इस प्रकार हैं:
ओम धरा मूर्ताय नमः, ओम धराधिपतये शर्वाय नमः। इसके बाद अनंत आदि लोकपालों का क्रमशः अपने मंत्रों से न्यास करें। इंद्र आदि लोकपालों के बीज आगे बताए जाने वाले क्रम से यूं जानने चाहिए। नू रू यू रू श्रू शू श्रू हूं शू। ये नौ शिलाओं के पक्ष में बताया गया है। जब पांच पद की शिलाएं हों, तब प्रत्येक तत्वमयी शिला में स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि पांच मूर्तियों का न्यास करें। उक्त मूर्तियों के पांच मूर्तिश इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पांचों का उक्त पांचों मूर्तियों में पूर्ववत पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, ओम पृथ्वी मूर्तधिपतये ब्राह्मणे नमः इत्यादि मंत्र पूजन के लिए जानने चाहिए। क्रमशः पांच कलशों का अपने नाम मंत्रों से पूजन करके उन्हें स्थापित करें। मध्य शिला के क्रम से विधि पूर्वक न्यास करें। विभूति, कुशा और तिलों से अस्त्र मंत्र द्वारा प्राकार की कल्पना करें। कुंडों में आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके तत्वों, तत्वाधिपों, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों का धृत आदि से तर्पण करें। तत्पश्चात ब्रह्मात्म शुद्धि के लिए मूल के अंग भूत ब्रह्म मंत्रों द्वारा क्रमशः 100-100 आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति पर्यंत होम करने के पश्चात शांति जल से शिलाओं का प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशाओं द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सान्निध्य और संधान करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जा जाकर तीन भागों में कर्म करें। मंत्र यूँ है: ओम आमिम आत्म तत्व विद्या तत्वाभ्याम नमः इति। कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्वेश आदि तीन का स्पर्श करें। इसके बाद ह्रस्व दीर्घ के प्रयोग पूर्वक तत्वानुसंधान करें। इसके लिए मंत्र यो है: ओम विद्वा तत्व शिव तत्वाभ्याम नमः। तदनंतर घी और मधु से भरे हुए पंचरत्न युक्त और पंचगव्य से अग्रभाग में अभिषिक्त पांच कलशों का, जिनके देवता पंच लोकपाल हैं, अपने मंत्रों से पूजन करके उनके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करें। विशिला देवता विद्या स्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान उद्दीप्त होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और समस्त आभूषणों से संपन्न है। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिए तथा वास्तु भूमि की शुद्धि के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्णाहुति पर्यंत 100-100 आहुतियाँ दें। वास्तु पूजा विधि। भगवान शिव कहते हैं: स्कंद, तदनंतर प्रासाद को आत्र सूत्रित करके वास्तु मंडल की रचना करें। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनवावे। कोनों में दो वंशों का विन्यास करें। विकोण गामिनी 8 रज्जुएं अंकित करें। वे द्विपद और षटपद स्थानों के रूप में विभक्त होंगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करें, जिसकी विधि इस प्रकार है: कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यो करना चाहिए कि वो औधे मुंह पड़ा हुआ है। कोनी से सटे हुए उसके दोनों घुटने वायव्य और अग्नि कोण में स्थित हैं, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और बायां घुटना अग्नि कोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैत्र नैऋत्य दिशा में स्थित हैं तथा उसका सिर ईशान कोण की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्ष स्थल पर है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभ कारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं, जो 8 कोणार्धों में स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मरीचि आदि देवता 6-6 पदों के स्वामी कहे गए हैं और उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता 1-1 पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी संपात महामर्म कमल फल त्रिशूल स्वस्ति वज्र महास्वस्तिक संपुट त्रिकटी मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद ये 12 मर्म स्थान हैं। वास्तु की भित्ति आदि में इन सब का पूजन करें। ईशान रुद्र को धृत और अक्षत चढ़ावे। पर्जन्य को कमल और जल अर्पित करें।
जयंत को कुमकुम रंजित निर्मल पताका दे, महेंद्र को रत्न मिश्रित जल, सूर्य को धूम्र वर्ण का चंदोवा, सत्य को धृतयुग्य गेहूँ तथा वृष को उड़द भात चढ़ावे, अंतरिक्ष को विमान, विशिष्ट फल का गूदा या औषध विशेष अथवा सत्तु सत्तु निवेदित करे। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्निदेव को मधु दूध और घी से भरा हुआ श्रुक अर्पित करें। उषा को लाजा और विथत को सुवर्ण मिश्रित जल दें। ग्रक्षत को शहद तथा यमराज को पलोदान भेंट करें। गंधर्व नाथ को गंध, भृंगराज को पक्ष जिह्वा तथा मृग को यवपर्ण जौ के पत्ते चढ़ावे। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। प्रतिदेवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। धवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन धेन मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करें। सुग्रीव को पुआ चढ़ावे, पुष्पदंत को कुशा अर्पित करें, वरुण को लाल कमल भेंट करें और असुर को सुरा एवं आसव चढ़ावे। शोष को घी से ओत प्रोत भात तथा पाप यक्षमा रोग को धृत मिश्रित मांड या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए हैं। मारुत को पीले रंग का ध्वज, नाग देवता को नाग केसर, मुख्य को भक्ष पदार्थ तथा भल्लाट को छौंक बघार कर मूंग की दाल अर्पित करें। सोम को धृत मिश्रित खीर, चरक को शालुक, आदिति को लोपी तथा दिति को पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिशा के 8 देवता कहे गए। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशा में 6 पदों के उपभोक्ता मरीचक को मोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवता को लाल फूल चढ़ावें। सविता से नीचे वहीन कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करें। ब्रह्मा जी से दक्षिण 6 पदों के अधिष्ठाता विवस्वान को लाल चंदन चढ़ावें। ब्रह्मा जी से नैऋत्य दिशा में नीचे के कोष्ठ में इंद्र देवता के लिए हल्दी भात अर्पित करें। इंद्र से नीचे नैऋत्य कोण में इंद्रजय के लिए मिष्ठान निवेदित करें। ब्रह्मा जी से पश्चिम 6 पदों में विराजमान मित्र देवता को गुड़ मिश्रित भात चढ़ावें। वायव्य कोण के नीचे के पद में रुद्र देवता को द्रक्पक अन्न अर्पित करें। रुद्र देवता से नीचे के कोष्ठ में रुद्रदास के लिए आंध्रमांस औषध विशेष निवेदित करें। तत्पश्चात उत्तरवर्ती 6 पदों के अधिष्ठाता पृथ्वीधर के निमित्त उड़द का बरा नैवेद्य चढ़ावे। ईशान कोण के निम्नवर्ती पद में आपकी और उससे भी नीचे के पद में आपवत्स की विधिवत पूजा करके उन्हें क्रमशः दही और खीर अर्पित करें। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तु मंडल में मध्यदेशवर्ती 4 पदों में स्थित ब्रह्मा जी को पंचगव्य अक्षत और धृत सहित चरु निवेदित करें। तदनंतर ईशान से लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चर आदि की 4 मात्रकाओं का वास्तु के बाह्य भाग में क्रमशः पूजन करें, जैसा कि क्रम बताया जाता है। चरकी को सदृत मांस, फल का गुदा, विदारी को दही और कमल तथा पूतना को पल, वित्त एवं रुधिर अर्पित करें। पापराक्षी को अस्थि, हड्डी, मांस, पित्त तथा रक्त चढ़ावें। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद को उड़द भात चढ़ावें। दक्षिण दिशा में अर्यमा को खिचड़ी और पुआ चढ़ावें तथा पश्चिम दिशा में जम्भक को रक्तमांस अर्पित करें। उत्तर दिशा में लिपिच्छ को रक्तवर्ण का अन्न और पुष्प निवेदित करें अथवा संपूर्ण वास्तु मंडल का कुश, दही, अक्षत तथा जल से ही पूजन करें। घर और नगर आदि में 81 पदों से युक्त वास्तु मंडल का पूजन करना चाहिए। इस वास्तु मंडल में त्रिपद और षटपद रज्जुएं पूर्ववत बनानी चाहिए। उसमें इस आदि देवता पदिक एक एक पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। आप आदि की स्थिति में 2-2 कोष्ठों में बताई गई है। मरीचि आदि देवता 6 पदों में अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं। नगर, ग्राम और खेत आदि में शतपद वास्तु का भी विधान है। उसमें 2 वंश कोणगत होते हैं, वे सदा दुर्जन्य और दुर्धर कहे गए हैं। देवालयों में जैसा न्यास बताया गया है, वैसा ही शतपद वास्तु मंडल में भी विहित है। उसमें स्कंद आदि ग्रह शतपद 6 पदों के अधिष्ठाता जानने चाहिए। चरकी आदि 5-5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई है। रज्जु और वंश आदि का उल्लेख पूर्ववत करना चाहिए। देश या राष्ट्र की स्थापना के अवसर पर 3400 पदों का वास्तु मंडल होना चाहिए।
उसमें मध्यमवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठाता होते हैं। मरीचि आदि देवता के अधिकार में 54 पद होते हैं। आप आदि 8 देवताओं के स्थान 36 पद बताए गए हैं। वहीशान आदि 9 पदों के अधिष्ठाता कहे गए हैं और स्कंद आदि 100 पदों के। चरकी आदि के पद भी तदनुसार ही हैं। रज्जु वंश आदि की कल्पना पूर्वत जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तु मंडल में भी वास्तुदेव की पूजा होती है, ये जानना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों का वास्तु मंडल चिता स्थापन के समय विहित है, उसकी वताल संज्ञा है। दूसरा 9 पदों का भी होता है। इसके सिवा 116 पदों का भी वास्तु मंडल होता है। षटकोण, त्रिकोण तथा वृत्त आदि के मध्य में चौकोर वास्तु मंडल का भी विधान है। ऐसा वास्तु खात निव आदि के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए उपयुक्त है। इसी के समान वास्तु ब्रह्मा शिलात्मक सृष्ट न्यास में, शावाक के निवेश में और मूर्ति स्थापन में भी उपयोग होता है। वास्तु मंडलवर्ती समस्त देवताओं को खीर से नैवेद्य अर्पित करें। उक्त अनुक्त सभी कार्यों के लिए सामान्यतः 5 हाथ की लंबाई चौड़ाई में वास्तु मंडल बनाना चाहिए। ग्रह और प्रासाद के मान के अनुसार ही निर्मित वास्तु मंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। शिलान्यास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद ईशान आदि कोणों में वास्तु मंडल के बाहर पूर्ववत चर आदि का पूजन करें। प्रत्येक देवता के लिए क्रमशः 3-3 आहुतियां दें। भूत बलि देकर नियत लग्न में शिलान्यास का उपक्रम करें। खात के मध्य भाग में आधार शक्ति का न्यास करें। वहां अनंत शेषनाग के मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कलश स्थापित करें। लम पृथ्वी नमः इस मूल मंत्र से इस कलश पर पृथ्वी स्वरूपा शिला का न्यास करें। इसके पूर्वाधिक भाग में क्रमशः सुभद्र आदि 8 कलशों की स्थापना करें। पहले उनके लिए गड्ढे खोदकर उनमें आधार शक्ति का न्यास करने के पश्चात उक्त कलशों को इंद्रादि लोकपालों के मंत्रों द्वारा स्थापित करना चाहिए। तदनंतर उन कलशों पर क्रमशः नंदा आदि शिलाओं को रखें। तत्व मूर्तियों के अधिदेवता संबंधी शस्त्रों से युक्त वे शिलाएं होनी चाहिए। जैसे दीवार में मूर्ति तथा अस्त्र आदि अंकित होते हैं, उसी प्रकार उन शिलाओं में सर्व आदि मूर्ति देवताओं के अस्त्र शस्त्र अंकित करें। उक्त शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभाग पूर्वक धर्म आदि 8 देवताओं की स्थापना करें। सुभद्र आदि 4 कलशों पर नंदा आदि 4 शिलाएं, अग्नि आदि 4 कोणों में स्थापित करनी चाहिए। फिर जय आदि 4 कलशों पर अजिता आदि 4 शिलाओं की पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थापना करें। उन सब के ऊपर ब्रह्मा जी तथा व्यापक महेश्वर का न्यास करके मंदिर के मध्यवर्ती आकाश नामक अधवा का चिंतन करें। उन सब को बलि अर्पित करके विघ्न दोषों के निवारण अस्त्र मंत्र का जप करें। वहां 5 ही शिलाएं स्थापित करने की विधि है। उसके पक्ष में भी कुछ निवेदन किया जाता है। मध्य भाग में सुभद्र कलश के ऊपर पूर्णा नामक शिला की स्थापना करें और अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पद्म आदि कलशों पर नंदा आदि शिलाएं स्थापित करें। मध्य शिला के अभाव में 4 शिलाएं भी मातृभाव से सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त 5 शिलाओं की प्रार्थना इस प्रकार है। ओम सर्व संदोह स्वरीपे महाविद्ये पुणे, तुम अंगिरा ऋषि के पुत्री हो, इस प्रतिष्ठा कर्म में सब प्रकार सम्यक रूप से ही पूर्ण करो। नंदे तुम समस्त पुरुषों को आनंदित करने वाली हो, मैं यहाँ तुम्हारे स्थापना करता हूँ। तुम इस प्रासाद में संपूर्णतः तृप्त होकर जब तक सुस्थिर भाव से स्थित रहो, जब तक कि आकाश में चंद्रमा सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें। वशिष्ठ नंदिने नंदे तुम देहधारियों को आयु संपूर्ण मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करो। तुम्हें प्रासाद में सदा स्थित रहकर यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओम कश्यप नंदिने भद्रे तुम सदा समस्त लोगों का कल्याण करो। देवी तुम सदा ही हमें आयु मनोरथ और लक्ष्मी प्रदान करती रहो। ओम देवी जय तुम सदा सर्वदा हमारे लिए लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करने वाली हो। भृगुपुत्री देवी जय तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो,
और इस मंदिर के अधिष्ठाता मुझ यजमान को नित्य निरंतर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बनो। ओम रिक्ते, तुम अतिरिक्त दोष का नाश करने वाली तथा सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। शुभे, संपूर्ण देश काल में तुम्हारा निवास है। इस रूपणी, तुम सदा इस प्रासाद में स्थित रहो। तत्पश्चात आकाश स्वरूप मंदिर का ध्यान करके उसमें तीन तत्वों का न्यास करें, फिर विधिवत प्रायश्चित होम करके यज्ञ का विसर्जन करें। प्रतिष्ठा काल सामग्री आदि की विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तरायण होने पर ही वो कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर पांच महीनों में चैत्र को छोड़कर देवस्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम तीन कर्णों वव, बालव और कालव में स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई है। शतभिषा, धनिष्ठा, आद्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण, ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरंभ करने के लिए महान अभ्युदय कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृष, ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति, तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर शेष नौ स्थानों में शुभ माने गए हैं। सात स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, आठवें, दसवें, सातवें और चौथे भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभ कारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में छठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षट्, दशम, द्वितीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य दसवें, तीसरे और छठे भावों में स्थित हो तो वे शुभ फल देने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और दसवें में राहु को भी शुभ कारक माना गया है। छठे और तीसरे स्थान में स्थित होने पर शनैश्वर मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह सभी ग्यारहवें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण चारों चरणों से युक्त होती है। पांचवे और नवे स्थानों पर इनकी दृष्टि आदि दो चरणों से युक्त बताई गई है। तृतीय और दसवें स्थानों को ये ग्रह एक पाद से देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें स्थानों पर इनकी दृष्टि तीन चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग पौने चार नाड़ी तक, वृष और कुंभ पौने चार नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन पांच नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पौने छह नाड़ी तथा तुला और कन्या राशि साढ़े पांच नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्धिदायक होते हैं। तुला और मेष चर कहे गए हैं। तीसरी तीसरी संख्या के लग्न मिथुन, कन्या आदि द्विस्वभाव कहे गए। कर्क, मकर और वृश्चिक ये प्रवज्ञा संन्यास कार्य के नाशक है। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया हो वो शुभ है तथा जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो वो श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुध से युक्त लग्न धन, आयु, राज्य, शौर्य अथवा सौख्य, बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कुंडली के बारह भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तमम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध हो तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान से तीसरे, ग्यारहवें और चौथे स्थानों में पाप ग्रह हो तो वे शुभ कारक होते हैं। अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करें। मंदिर के सामने उससे पांच गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से दस हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप का निर्माण करें। वो आगे चाकोर और चार दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनवावे। उसमें भी एक या चार दरवाजे हो। यह स्नान मंडप ईशान,
पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम तीन लिंगों के लिए तीन मंडपों का निर्माण करें। पहले मंडप की हास्तिक संज्ञा है, वो आठ हाथों का होता है। शेष दो मंडप एक एक हाथ बड़े होंगे, अर्थात दूसरा मंडप नौ हाथ का, तीसरा दस हाथ का होगा। इस तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप दो दो हाथ भूमि बढ़ा दें, जिससे नौ हाथ बढ़े, नौवें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को दो दो हाथ बढ़ाकर रखें। इस प्रकार कुल 9 मंडप होने चाहिए। पाद आदि से वृद्ध लिंगों की स्थापना में पादों पायों के अनुसार मंडप बनवावें। मानलिंग, रत्न जंगली तथा लोह लिंग के स्थापना के अवसर पर हास्तिक 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनावे, अथवा जो देवी का प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनावे। समस्त लिंगों के लिए प्रासाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार जाननी चाहिए। धन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुवेश, धर्मर तथा दक्ष, ये नौ लिंगों के लिए नौ मंडपों के नाम हैं। चारों कोणों में चार खम्भे हों और दरवाजे पर दो दो, ये सब हास्तिक मंडप के विषय में बताया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जैसे भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खम्भों का भी उपयोग किया जा सकता है। मध्य मंडप में चार हाथ की वेदी बनावे, उसके चारों कोनों में चार खम्भे हों। वेदी और पायों के बीच का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करें। इसकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में एक ही कुंड बनावे, वो गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हाथ से एक हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियाँ देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठता तक की माप से एक अरत्ती या एक हाथ का कुंड बनावे। 1000 आहुतियों का होम करना हो तो एक हाथ लंबा चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10000 आहुतियों के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। 4 आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1 करोड़ आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्नि कुंड में भगाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकर, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सब ओर से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की ओर मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल चौड़ी मेखलाएं होनी चाहिए, अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होनी है। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहे। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडार्ध के तुल्य हो। योनि का मध्य भाग कुंड के कुंड की भांति हो। पूर्व अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान कुंड के कुंड की योनि उक्त दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24 भाग है वो अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्वादि दिशाओं की ओर जो 4 दरवाजे लगते हैं वे क्रमशः पाकड़, गूलर, पीपल और बड़की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य हैं। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे खुदे हुए गड्ढे में खड़े किए गए हों। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र, पल्लव आदि की बंधनवारे लगा देनी चाहिए। मंडप की पूर्वाधि दिशाओं में क्रमशः इंद्राधुयुध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पाख के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्जवल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नैऋत्य तथा पश्चिमी मध्य भाग में अनंत शेषनाग के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजा की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हो। ध्वजादंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नदी तट,
घुड़सार हथीसार रिमोट हाथी के दांतों के अग्रभास के कौड़ी की गई भूमि सांड के सिंह से खोदी गई भूमि कमल समूह के नीचे के स्थान सुअर की खोदी हुई भूमि गौशाला तथा चौराहा इन 12 स्थानों से 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्थापना में ये 12 मृतिकाएं तथा भगवान शिव के स्थापना में 8 प्रकार की मृतिकाएं ग्राह्य है। बरगद गूलर पीपल आम और जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गोंद संग्रहणीय है। 8 प्रकार के ऋतुफल मंगा लेने चाहिए। तीर्थफल सुगंधित जल सर्वाषधि मिश्रित जल सस्य पुष्प मिश्रित जल स्वर्ण मिश्रित रसन मिश्रित तथा गोश्रृंग के स्पर्श से युक्त जल पंचगव्य और पंचामृत इन सब को देव स्नान के लिए एकत्र करें। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्यों को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्र छिद्रों से युक्त कलश तथा मंगल कृत्य के लिए गोरोचना भी रखें। 100 प्रकार की औषधियों की जड़ विजया लक्ष्मणा श्वेत कंटकारिका बला अथवा अभियाहरणी गुरुची अति बला पाठा सहदेवा शतावरी रिद्वी सुरवचला वृद्धि इन सब का पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा लें। विद्वान पुरुष स्नान के लिए जौ और गेहूं के आटे बेल का चूर्ण विलेपन कपूर कलश तथा गड्डुओं का संग्रह कर ले। खाट 2 तुली का रुई भरा गद्दा तथा रजाई तकिया चादर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र इन सब को अपने वैभव के अनुसार तैयार करावे तथा विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखे। घी और मधु से युक्त पात्र सोने की सलाई पूजोपयोगी जल से भरा पात्र शिव कलश तथा लोकपाल के लिए कलश का भी संग्रह करें। एक कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतने ही शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपाल आदि धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा लें। वास्तुदेव लक्ष्मी और गणेश के लिए भी अनन्य पृथक पृथक कलश आवश्यक है। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर सुवर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाए और इन्हें सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र और फल रखे जाएं। उनके मुख भाग में पंच पल्लव रहे तथा वे कलश उत्तम लक्षणों से संपन्न हो। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करें। सब ओर से बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर लें। पूर्ववत ज्ञान खड्ग का भी संपादन करें। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मंगा लें। तांबे की बनी हुई करछुल तथा पाद्याभंग के लिए धृत और मधु का पात्र भी संग्रहित कर लें। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर लें। इसी तरह पलाशों के बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा लें। तिल पात्र अविष्य पात्र अर्ध पात्र और पवित्रक एकत्र करें। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मंगा लें। श्रुक श्रुवा पिटक पिटारी एवं टोकरी पीठ पीठा या चौकी व्यंजन सूखी लकड़ी फूल पत्र गुगुल घी के दीपक धूप अक्षत त्रिगुना सूत गाय का घी जौ तिल कुशा शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ मधु शक्कर और घी 10 पर्व की संविधाएं बाह बराबर या एक हाथ का श्रुवा सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए संविधाएं आंख पलाश खैर अपामार्ग पीपल गुलर शमी दुर्वा और कुशा भी संग्रहणीय है। आग आदि में प्रत्येक की संविधाएं 108-8 होनी चाहिए। ये न मिल सके तो इनकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का भी संग्रह करें। बटलोई करछुल ढक्कन आदि जुटा लें। देवता आदि के लिए प्रत्येक को 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा मुकुट हार कुंडल और कंगन आदि तैयार करा लें। घर खर्च करने में कंजूसी न करें। मूर्ति धारण करने वाले तथा अस्त्र मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दें। सामान्य ब्राह्मणों ज्योतिषियों तथा शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा सूर्यकांत मणि नीलमणि अति नीलमणि मुक्ताफल पुष्पराग पद्मराग तथा 8वां रत्न वैदूर्य मणि इनका भी संग्रह करें। उशीर खस विष्णुक्रांता अपराजिता रक्तचंदन अगुरु श्रीखंड शारीवा अनंता या श्यामलता कुष्ठ कुट और शांगिनी श्वेत पुनांग इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना तांबा लोहा रांगा चांदी कांसी और सीसा इन सबकी लोह संज्ञा मानी गई है। इनका भी संग्रह करें। हरिताल मैनसील गेरू
हिमाक्षिक, पारा, वैगैरिक, गंधक और अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार 8 प्रकार के व्रीहियों अनाजों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, जौ, तिन्नी और सांवा। प्रतिष्ठा में अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पुरोहित को चाहिए कि वो स्नान करके प्रातः काल और मध्याह्न काल दोनों समयों का नित्य कर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप को पधारे। इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाए, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहाँ शांति आदि द्वारों का पूर्ववत क्रमशः पूजन करे। इन द्वारों की दोनों शाखाओं पर प्रदक्षिणा क्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भृंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंडक की पूजा करें। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्वाधि क्रम से दो दो कलशों की पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में प्रशांत और सुशील, दक्षिण दिशा में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत संजीवन और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीपद। इन दो दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुर्थंश रूप रखें। यही इनके पूजन का मंत्र है। ओम प्रशांत शिशिराभ्याम नमः इत्यादि। लोक दो ग्रह, वसु दो, द्वारपाल दो, नदियां दो, सूर्य 3, युग 1, वेद 1, लक्ष्मी तथा गणेश, इनके देवता यज्ञ मंडप के प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करें तथा प्रत्येक दिशा में देखपाल की पताका का भी पूजन करें। पूजन के मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है: ओम हूं हम वज्राय हूं फट, ओम हूं हम शक्तये हूं फट इत्यादि। कुमुद, कुमदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र अथवा पद्म नेत्र, सम्मुख और सुप्रतिष्ठित, कि ये ध्वजों के 8 देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओं में कोटि कोटि भूतों सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुमकुमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक, त्रिपुरग्न अशक्ति अथवा वहिन, यजहीन, काल, छठा कराली, सातवा एकार्डिंग और आठवा भीम, ये क्षेत्रपाल हैं। इनका क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्ववत पूजन करें। बलि, पुष्प और धूप देकर इन सब को संतुष्ट करें। तदनंतर उत्तम एवं पवित्र तृणों पर अथवा बांस के खम्भों पर क्रमशः पृथ्वी आदि 5 तत्वों की स्थापना करके गजोताजाति 5 मंत्रों द्वारा पुं का पूजन करें। सदाशिव पद्मव्यापी मंडप का, जो भगवान शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है, पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति या पिनाक शक्ति से संयुक्त है, तत्व दृष्टि से अवलोकन करें। पूर्ववत दिव्य अंतरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण एवं पश्चिम द्वार में प्रवेश करें और शेष दरवाजों को बंद करा दें अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर लें। प्रदक्षिणा क्रम से मंडप के भीतर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूर्ववत भूत शुद्धि करें। अंतर्याग, विषयधार्य, मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वात्म पूजन तथा पंचगव्य आदि पूर्ववत करें। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन करें, विशेषतः शिव का ध्यान करें। तदनंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करें, ललाट में शिवरत्न की, स्कंद देश में विद्या तत्व की तथा पादांत भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करें। शिव तत्व के रुद्र, विद्या तत्व के नारायण और आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के नाम बीज क्रमशः इस प्रकार हैं: ओम आम। मूर्तियों और मूर्तीश्वरों की वहाँ पूर्ववत स्थापना करें। उनमें व्यापक शिव का सांग पूजन करके मस्तक पर शिव हस्त रखें। भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर भीतर के अंधकार राशि को नष्ट करके आत्मस्वरूप का इस प्रकार चिंतन करें कि वह संपूर्ण दिग्न मंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्तिपालकों के साथ अपने आप को भी हार, वस्त्र और मुकुट आदि से अलंकृत करके मैं शिव हूँ ऐसा चिंतन करते हुए बोधासी ज्ञान में खड्ग को उठावे। चतुष्पदांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार करें। बिखेरने योग्य वस्तुओं को सबोर से बिखेर कर कुछ की कुंची से उन सब को समेटें।
उन्हें आसन के नीचे करके वारधानी के जल से पूर्वक वास्तु आदि का पूजन करें, शिव कुंभास्त्र और वारधानी के सुस्थिर आसनों की भी पूजा करें। अपनी अपनी दिशा में कलशों पर विराजमान इंद्रादि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथाविधि पूजन करें। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करें, वे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान धमक रही है, मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है, वे सहस्त्र नेत्र धारण करते हैं, उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है, अग्निकोण में सात ज्वालामयी जिह्वाएं धारण किए, अक्षमाला और कमंडलू लिए, लकटों से घिरे रक्त वर्ण वाले अग्निदेव का ध्यान करें, उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करें, जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, नैऋत्य कोण में लाल नेत्र वाले नैऋत्य की भावना करें, जो हाथ में तलवार लिए शव मुर्दे पर आरूढ़ है। पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेतवक्त नागपाशधारी वरुण का चिंतन करें, वायव्य कोण में मृगारूढ़ नीलवर्ण वायुदेव का तथा उत्तर में भेड़ों पर सवार कुबेर का ध्यान करें, ईशान कोण में त्रिशूलधारी विश्वारूढ़ ईशान का, नैऋत्य कोण तथा पश्चिम के मध्य भाग में कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ईशान और पूर्व के भीतर चार मुख एवं चार भुजा धारण करने वाले हंस वाहन ब्रह्मा का ध्यान करें। खम्भों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजा करें। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की भी पूजा करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावें और कलशों को अपने पृष्ठ भाग तक घुमावें। तत्पश्चात पहले कलश को और फिर वारधानी को पूर्वत अपने स्थान पर रख दें। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में तथा शस्त्र के लिए दुर्वासन का पूर्वत पूजन करके उद्धव मुद्रा द्वारा स्पर्श करें। उस समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, आप अपने भक्त जन पर कृपा करके इस अपने ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। यो रक्षा के लिए प्रार्थना सुनाकर कलश में खंड की स्थापना करें और दीक्षा और स्थापना के समय कलश में वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करें। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के समीप जाएं। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करें। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या रहित मंत्र का जप करें। दूसरे लोग संहिता पाठ का अपनी शाखा के अनुसार वेदों में पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहे। श्रीग्वेदी विद्वान एवं पूर्व दिशा में श्री सुत पावमानी ऋचा मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषकपि मंत्र इन सब का पाठ करें। साम वेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत भारूढ़ ज्येष्ठ साम ररंथर साम तथा पुरुष गीत इन सब का गान करें। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सुक्त पुरुष सुक्त श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करें। अर्थर्वेदी विद्वान उत्तर दिशा में नील रुद्र सुषमा सूक्ष्म तथा अर्थर्व शीर्ष का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें। आचार्य अरणि मंथन द्वारा अग्नि का उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुंड में स्थापित करावें। अग्नि के पूर्व आदि भागों को पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करें। फिर पहले बताए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करें। देश काल आदि की संपन्नता तथा दुर्निर्मिति की शांति के लिए होम करके मंत्रज्ञ माचार्य मंगल कारणी पूर्णाहुति प्रदान करके पूर्वक चरु तैयार करें और उसे प्रत्येक कुंड में निवेदित करें। यजमान से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्ति पालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाएं। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवगुंठन की क्रिया करें। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी काषाय जल गोबर और गोमूत्र से तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान करावें। तत्पश्चात भस्म तथा गंधयुक्त जल से नहलावें। इसके बाद आचार्य अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्ति पालकों के साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीताम्बर द्वारा मूर्ति को आच्छादित करके श्वेत फूलों से उसकी पूजा करें। तदनंतर उसे उत्तर वेदी पर ले जाएं। वहां संयुक्त शैया पर सुलाकर कुमकुम में लगे हुए सूत से अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने की शलाका द्वारा उस प्रतिमा में दोनों नेत्र अंकित करें। ये कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाले गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दें। इसके बाद वो शिल्पी जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो उस नेत्र चिन्ह को शस्त्र द्वारा खोदे अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करें। अर्चा के तीन अंश से कम अथवा एक चौथाई भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह की अवतरणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई में मान में तीन भाग से लेकर एक भाग को त्याग देने से जो मान हो वही लिंग के लक्ष्य देह का सबूर से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ के प्रस्तर खंड में जो लक्ष्य रेखा बनेगी उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जौ के नौ भाग में से एक को छोड़ने और आठ को लेने से होती है। इसी प्रकार डेढ़ हाथ या दो हाथ आदि के लिंग से लेकर नौ हाथ तक के लिंग में क्रमशः
आधा भाग की वृद्धि करके लक्ष्य रेखा बनानी चाहिए। इस तरह नौ हाथ वाले लिंग में आठ जौ के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्य रेखा होनी चाहिए। जो शिवलिंग परस्पर अंतर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाए बड़े हों, वहां लक्ष्य देह का विस्तार एक एक जौ बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी एक तिहाई बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्य अर्थात चिन्ह का जो क्षेत्र है उसका आठ भाग करके दो भागों को मस्तक के अंतर्गत रखें। शेष छह भागों में से नीचे के दो भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में तीन रेखा खींचे और उन्हें पृष्ठ देह में ले जाकर जोड़ दें। रत्नमय लिंग में लक्षणों द्वार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियों से प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्मों द्वार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिंगों के रत्नमय जो निर्मल प्रभा होती है वही उनके स्वरूप का लक्षण परिचायक है। मुख भाग में जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है वो आवश्यक है और उसी के सन्निधान के लिए वो लक्ष्मण या चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मणों द्वार की रेखा का धृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्पी दोष की निवृत्ति के लिए मृतिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करें। फिर दान गान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान दें। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाएं और सव्य या अपसव्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके न्यौछावर दें। इसके बाद यजमान गुड़ नमक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा करें। तत्पश्चात मूर्ति रक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः या प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान करावें। एक एक के बाद बीच में जल से स्नान कराता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कषाय द्रव्य सवौषधि मिश्रित जल श्वेत पुष्प फल सुवर्ण रत्न सिंह एवं जौ मिलाए हुए जल सहस्रधारा दिवोषधि युक्त जल तीर्थ जल गंगा जल चंदन मिश्रित जल शेर सागर आदि के जल कलशों के जल तथा शिव कलश के जल से अभिषेक करें। रूखेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्म मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावें। फिर अनेक प्रकार से आरती उतार कर रक्षा पूर्वक तेल पूर्वक गीत वाद्य आदि से विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुरुष मंत्र से उनके पूजा करें। तदनंतर हृदय मंत्र से आचमन करके इष्ट देव से कहें, प्रभो उठिए। फिर इष्ट देव को ब्रह्मरथ पर बिठाकर उसी के द्वारा उन्हें सब ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिमी द्वार पर ले जाएं और वहां शैया पर भगवान को पधरावें। आसन आदि के अंत में शक्ति की भावना करके उस शुभ आसन पर उन्हें विराजमान करें। पश्चिमाभिमुख प्रासाद में पश्चिम दिशा की ओर पिंडिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखें। शिवकोण में सौ अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित निद्रा कलश और शिवासन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अर्ध दें। देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरोमंत्र द्वारा पूर्व की ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करें। इस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करें तथा कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करें, घर का उपकरण आदि अर्पित कर दें। फिर अपने शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक नैवेद्य निवेदन करें। अभंग कर्म के लिए धृत और मधु से युक्त पात्र इष्ट देव के चरणों के समीप रखें। वहां उपस्थित हुए आचार्य शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह को उनके अधिपतियों सहित स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके तीन भागों की कल्पना करें। वे तीन भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत हैं। उनके प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार हैं। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विद्या तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि क्रम से एक एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर मूर्तियों और मूर्तेश्वरों का पूर्वाधि दिशाओं के क्रम से न्यास करें। पृथ्वी अग्नि यजमान सूर्य जल वायु चंद्रमा और आकाश ये आठ मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात इनके अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। इनके नाम इस प्रकार हैं, शर्व पशुपति उग्र रुद्र भव ईश्वर महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं, लम रम शम खम चम पम सम हम अथवा त्रिमात्रिक प्रणव तथा हाँ अथवा हृदय मंत्र अथवा कहीं कहीं मूल मंत्र इनके मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपयोग में आते हैं। अथवा पंचकुंडनात्मक याग में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच मूर्तियों का ही न्यास करें।
फिर क्रमशः इनके पांच अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष सृष्टि क्रम से न्यास करें। यदि यजमान मुमुक्षु हो वो पंच मूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि पांच कलाओं तथा उनके अजात आदि अधिपतियों का न्यास करें, अथवा सर्वत्र व्याप्त रूप कारणात्मक त्रितत्व का ही न्यास करना चाहिए। शुद्ध अधवा में विद्वेश्वरों का और अशुद्ध में लोक नायकों का मूर्ति पतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर है। 35, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं, ये ही इनके तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्र का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हा शक्ति तत्वाय नमः इत्यादि, ओम हा शक्ति तत्वाधिपाय नमः इत्यादि, ओम हा यक्ष्मामूर्तये नमः, ओम हा शमामूर्तधीपते ब्राह्मणे नमः, ओम हा शिव तत्वाय नमः, ओम हा शिव तत्वाधिपते रुद्राय नमः इत्यादि। नाभिमूल से उच्चरित होकर घंटानाद के समान सबोर फैलने वाले ब्रह्मादि कारणों के त्याग पूर्वक द्वादशांतक स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिन्न तथा आनंद रस के उद्गम को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का जो 38 कलाओं से युक्त सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्तिमय और सांग है, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशांत से लाकर शिवलिंग में स्थापित करें। इस प्रकार शिवलिंग में जीवन्यास होना चाहिए जो संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। पिंडिका आदि में किस प्रकार न्यास करना चाहिए ये बताया जाता है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करें और उसे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भगस्वरूप छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करें। उसमें भी लिंग की ही भांति न्यास करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करें। फिर शक्तांश वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का फिर ओम हूं हीं इन तीन बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रिया शक्ति सहित आधार रूपणी शिला पिंडिका का पूजन करें। भस्म कुशा और तिल से 3 प्राकार पर कोटा बनावे तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की ओर नियोजित एवं पूजित करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार है। ओम ही क्रिया शक्तये नमः, ओम ही महागौरी रुद्र दयिते स्वाहा। निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिका में पूजन करें। ओम ही आधार शक्तये नमः, ओम हा वृषभाय नमः। धारिका, दीप्ता, अत्रुगा, ज्योत्सना, बलकोट्टा, धात्री और विद्यार्थी इनका पिंडी में न्यास करें, अथवा वामा, ज्येष्ठा, क्रिया, ज्ञान और वेधा अथवा रोधा या प्रही इन 5 नायकों का न्यास करें, अथवा क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करें। पूर्वत शांति मूर्तियों में तमी, मोहा, शुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और भया इनका न्यास करें, अथवा तमा, मोहा, धोरा, रति, अपन ज्वरा इन 5 का न्यास करें, या क्रिया, ज्ञान और इच्छा इन 3 अधिनायकों का, आत्मा का आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करें। यहाँ भी पिंडिका, ब्रह्मशिला आदि में पूर्वत गौरी आदि शंबरों मंत्रों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करें। इस प्रकार न्यास कर्म करके कुंड के समीप जा उसके भीतर महेश्वर का, मेखलाओं में चतुर्भुज का, नाभि में क्रिया शक्ति का तथा ऊर्ध्व भाग में नाद का न्यास करें। तदनंतर कलश, वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नाड़ी संधान कर्म करें। कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति ऊर्ध्व वायु की सहायता से ऊपर उठती हुई और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वो ऊर्ध्वगत शक्ति वहाँ से निकलती और शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करें। मूर्ति पालकों को भी सर्वत्र इस प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व, तत्वेश्वर, मूर्ति और मूर्तिश्वरों का धृत आदि से पूजन और तर्पण करें। फिर उन दोनों तत्व, तत्वेश्वर एवं मूर्ति मूर्तिश्वर को संहिता मंत्रों से 101,000 अथवा 0.5,000 आहुतियाँ दें, साथ ही पूर्णाहुति भी अर्पण करें। तत्व और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्तेश्वरों का पूर्वोक्त रीति से एक दूसरे के सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक भी उनके लिए आहुतियाँ दें। इसके बाद द्रव्य और काल के अनुसार वेदों और अंगों द्वारा तर्पण करके शांति कलश के जल से प्रोक्षित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके ओम संख्या के बराबर जप करें। हृदय मंत्र से सन्निधापन और कवच मंत्र से अंगूठन करें। इस प्रकार संशोधन करके लिंग के ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा और अंत मूल भाग में विष्णु का पूजन आदि करके शुद्धि के लिए पूर्वक सारा कार्य संपन्न कर होम संख्या के अनुसार जप आदि करें। उसके मध्य भाग में लिंग के मध्य का
और कुश के अग्रभाग से लिंग के अग्रभाग का स्पर्श करें। जिस मंत्र से जिस प्रकार संधान किया जाता है वो इस समय बताया जाता है। ओम हम हम ओम ओम एम ओम भूम भूम बाह्य मूर्तये नमः। ओम हम वाम आम ओम आम शाम ओम भूम भूम वाव्यः मूर्तये नमः। इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंचमूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदयादि मंत्रों द्वारा इसी तरह संधान कर्म करने का विधान है। त्रितत्वात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा जानना चाहिए। शिला पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों द्वारा शतादि होम करें और उन्हें पूर्णाहुति द्वारा पृथक कर दें। न्यूनता आदि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियां दें। जो कर्म किया जाता है उसे शिव के कान में निवेदन करें। प्रभु, आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। रुद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है। ये कार्य विधि पूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्ति से ही पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम हिम शांकरी पुरये स्वाहा, ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करें। तदनंतर ज्ञानी पुरुष लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपणी शक्ति का न्यास करें। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करें। अधिवासन के बिना कोई भी त्याग संपादित होने पर भी फलदायक नहीं होता, अतः अधिवासन अवश्य करें। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्रों द्वारा 100 आहुतियां दें तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पित करें। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधि पूर्वक वस धातु भाव में झंझ प्रत्यय किया जाता है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है। शिव प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद प्रातः काल नृत्य कर्म के अनंतर द्वार देवताओं का पूजन करके मंडप में प्रवेश करें। पूर्वोक्त विधि से देह शुद्धि आदि का अनुष्ठान करें। दिक्पालों का, शिव कलश का तथा वारधानी जलपात्र का पूजन करके अष्ट पुष्पिका द्वारा शिवलिंग की अर्चना करें और क्रमशः आहुति दें। अग्निदेव को तृप्त करें। तदनंतर शिव की आज्ञा से अस्त्राय फट का उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करें तथा अस्त्राय हुम फट बोलकर वहां के विघ्नों का अपसारण करें। शिला के ठीक मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना न करें, क्योंकि वैसा करने पर वेद दोष की आशंका रहती है। इसलिए मध्य भाग को त्याग कर एक या आधा जो किंचित ईशान भाग का आश्रय लें, आधार शिला में शिवलिंग की स्थापना करें। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अनंत नाम धारणी सर्वाधार स्वरूपणी सर्वव्यापिनी शिला को सृष्टि योग द्वारा अविचल भाव से स्थापित करें अथवा निम्नांकित मंत्र से शिव की आसना स्वरूपा उस शिला की पूजा करें। ओम नमो व्यापिनी भगवते स्थरंचले दुर्वं हिं नमं हिं स्वाहा। पूजन से पहले यूं कहें, आधार शक्ति स्वरूपणी शिले तुम्हें भगवान शिव की आज्ञा से या नित्य निरंतर स्थिरता पूर्वक स्थित रहना चाहिए, ऐसा कहकर पूजन करने के पश्चात अवरोधिनी मुद्रा से शिला को अवरुद्ध स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दें। हीरे आदि रत्न उशीर खस आदि औषधियां लोह और सुवर्ण कांस आदि धातु हरिताल आदि धान आदि के पौधे तथा पूर्व कथित अन्य वस्तुएं क्रमशः एकत्र करें और मन ही मन भावना करें कि ये सब वस्तुएं कांति आरोग्य देह वीर्य और शक्ति स्वरूप है। इस प्रकार एकाग्र चित्त भावना करके लोकपाल और शिव संबंधी मंत्रों द्वारा पूर्वादि कुंडों में इन वस्तुओं में से एक एक को क्रमशः डालें। सोने अथवा तांबे के बने हुए कछुए या वृषभ को द्वार के सम्मुख रखकर नदी के किनारे की या पर्वत के शिखर की मिट्टी से युक्त करें और उसे बीच के कुंड आदि में डाल दें अथवा सुवर्ण निमित्त मेरु को मधुक अक्षत और अंजन से युक्त करके उसमें डालें अथवा सोने या चांदी की बनी हुई पृथ्वी को संपूर्ण बीजों और सुवर्ण से संयुक्त करके उस मध्यम कुंड में डालें अथवा सोने चांदी या सब प्रकार के लोह से निर्मित सुवर्णमय केसरों से युक्त कमल या अनंत शेषनाग की मूर्ति को उसमें छोड़े। शक्ति से लेकर मूर्ति पर्यंत अथवा शक्ति से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व का देवाधिदेव महादेव के लिए आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुगुल का लेप करें। तत्पश्चात वस्त्र से गर्त को आच्छादित करके कवच और अस्त्र मंत्र द्वारा उसकी रक्षा करें। फिर दिक्पालों को बलि देकर आचार या आचमन करें।
शिला और गर्त के संग दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंत्र से अथवा अस्त्र मंत्र से विधि पूर्वक 100 आहुतियाँ दें, साथ ही पूर्णाहुति भी करें। वास्तु देवताओं को एक एक आहुति देकर तृप्त करने के पश्चात हृदय मंत्र से भगवान को उठाकर मंगल वाद्य और मंगल पाठ आदि के साथ ले आवे। गुरु भगवान के आगे आगे चले और चार दिशाओं में स्थित चार मूर्तिपालों के साथ यजमान स्वयं भगवान की सवारी के पीछे पीछे चले। मंदिर आदि के चारों ओर घुमाकर शिवलिंग को भद्रद्वार के सम्मुख नहलावे और अर्घ देकर उसे मंदिर के भीतर ले जाए। खुले द्वार से अथवा द्वार के लिए निश्चित स्थान से शिवलिंग को मंदिर में ले जाए। इन सब के अभाव द्वार बंद करने वाले शिला से शून्य मार्ग से अथवा उस शिला के ऊपर से होकर मंदिर में प्रवेश का विधान है। दरवाजे से ही महेश्वरों को मंदिर में ले जाए, परंतु उनका द्वार से स्पर्श न होने दें। यदि देवालय का समारंभ हो रहा हो तो किसी कोण से भी शिवलिंग को मंदिर के भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिंग के मंदिर प्रवेश के लिए सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिए। घर में प्रवेश का द्वार ही है, उसका साधारण लोगों भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वार के घर में प्रवेश किया जाए तो गोत्र का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। तदनंतर पीठ पर द्वार के सामने शिवलिंग को स्थापित करके नाना प्रकार के वाद्यों तथा मंगल सूचक ध्वनियों के साथ उस पर दुर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा समुत्तिष्णिष्ट नमः ऐसा कहकर महापाशुपत का मंत्र पाठ करें। इसके बाद आचार्य गर्त में रखे हुए गट को वहां से हटाकर मूर्ति पालकों के साथ यंत्र में स्थापित करावे और उसमें कुमकुम आदि का लेप करके शक्ति और शक्तिमान की एकता का चिंतन करते हुए लयांत मूल मंत्र का उच्चारण करके उस आलम्बन लक्षित घट का स्पर्श पूर्वक पुनः गर्त में ही स्थापना कराते। ब्रह्म भाग के एक अंश, दो अंश, आधा अंश अथवा आठवें अंश तक या संपूर्ण ब्रह्म भाग का ही गर्त में प्रवेश करावे। फिर नाभि पर्यंत दीर्घाओं के साथ शीशे का आवरण देकर एकाग्र चित्त हो नीचे के गर्त को बालू से पाट दे और कहें, भगवान आप सुस्थिर हो जाइए। तदनंतर लिंग के स्थिर हो जाने पर सकल सावयव रूप वाले परमेश्वर का ध्यान करके शकंत मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के स्पर्श पूर्वक उसमें निष्कलीकरण न्यास करें। जब शिवलिंग की स्थापना हो जा रही हो उस समय जिस जिस दिशा का आश्रय लें उस दिशा के देखपाल संबंधी मंत्र का उच्चारण करके पूर्णाहुति पर्यंत होम करें और दक्षिणा दें। यदि शिवलिंग से शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्य भाग हिले या फट फूट जाए तो मूल मंत्र से या बहुरूप मंत्र द्वारा 100 आहुतियाँ दें। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होने पर शिव शास्त्रोक्त शांति करें। उक्त विधि से यदि शिवलिंग में न्यास का विधान किया जाए तो कर्ता दोष का भागी नहीं होता। तदनंतर लक्षण स्पर्श रूप पीठ बंद करके गौरी मंत्र से उसका लय करें, फिर पिंडी में शिष्य न्यास करें। लिंग के पार्श्व भाग में जो संधि छिद्र हो उसको बालू एवं व्रज लेपन से भर दें। तत्पश्चात गुरु मूर्तिपालकों के साथ शांति कलश के आधे जल से शिवलिंग को नहलाकर अन्य कलशों तथा पंचामृत आदि से भी अभिषक्त करें। फिर चंदन आदि का लेप लगा जगदीश्वर शिव की पूजा करके उमा महेश्वर मंत्रों द्वारा लिंग मुद्रा से उन दोनों का स्पर्श करें। इसके बाद 6 अध्यायों के न्यास पूर्वक त्रितत्व न्यास करके मूर्ति न्यास, दिक्पाल न्यास, अंग न्यास एवं ब्रह्म न्यास पूर्वक ज्ञान शक्ति का लिंग में तथा क्रिया शक्ति का पीठ में न्यास करने के पश्चात स्नान कराएं। गंध का लेपन करके धूप दें और व्यापक रूप से शिव का न्यास करें। हृदय मंत्र द्वारा पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य और फल निवेदन करें। यथाशक्ति इन वस्तुओं को निवेदित करने के पश्चात महादेव जी को आचमन करावें। फिर विशेषाधार्य देकर मंत्र जपें और भगवान के वरदायक हाथ में उस जप को अर्पित करने के पश्चात इस प्रकार कहें, हे नाथ, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति रहे तब तक मूर्तिशों तथा मूर्तिपालकों के साथ आप स्वेच्छा पूर्वक इस मंदिर में सदा स्थित रहें। ऐसा कहकर प्रणाम करने के पश्चात बाहर जाएं और हृदय या प्रणव मंत्र से वृषभ नंदिकेश्वर की स्थापना करके फिर पूर्वत बलि निवेदन करें। तत्पश्चात न्यूनता आदि दोष के निकारण के लिए मृत्युंजय मंत्र से 100 बार संविधाओं की आहुति दें एवं शांति के लिए खीर से होम करें। इसके बाद यूं प्रार्थना करें, महाविभव, ज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक कर्म में जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण करें। यूं कहकर यथाशक्ति सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि संपत्ति तथा गीत वाद्य आदि उत्सव सर्व कारणाभूत अंबिकानाथ शिव को भक्ति पूर्वक समर्पित करें। तदनंतर 4 दिनों तक लगातार दान एवं महान उत्सव करें। मंत्रज्ञ आचार्य को चाहिए कि वो उत्सव के इन 4 दिनों में 3 दिनों तक तीनों समय मूर्ति पालकों के साथ होम करें और 4th दिन पूर्णाहुति देकर बहुरूपी संबंधी मंत्र से चरु निवेदित करें। सभी कुंडों में संपदाहुति से शोधित चरु अर्पित करना चाहिए।
उक्त चार दिनों तक निर्माल्य न हटावे। चौथे दिन के बाद निर्माल्य हटाकर स्नान कराने के पश्चात पूजन करें। सामान्य लिंगों में साधारण मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। लिंग चैतन्य को छोड़कर स्थान विसर्जन करें। असाधारण लिंगों में शमस्व इत्यादि कहकर विसर्जन करें। आह्वान, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्ति रूपता और प्रतिष्ठा, ये पांच बातें मुख्य हैं। कहीं कहीं प्रतिष्ठा के अंत में स्थिरता आदि गुणों की सिद्धि के लिए सात आहुतियां देने का विधान है। भगवान शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि, बोध स्वरूप, नित्य सर्वव्यापी, अविनाशी तथा आत्मतृप्त है। महेश्वर की सन्निधि या उपस्थिति के लिए ये गुण कहे गए हैं। आहुतियों का क्रम इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय स्थिरो भव नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार इस कार्य का संपादन करके शिव कलश की भांति दो कलश और तैयार करें। उनमें से एक कलश के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर दूसरा यजमान के स्नान के लिए रखें। कहीं कहीं कर्म स्थानाय धारयेत ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलश का जल कर्मानुष्ठान के लिए स्थापित करें। यह अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद बलि देकर आचमन करने के पश्चात शिव की आज्ञा से बाहर जाएं। यज्ञ मंडप के बाहर मंदिर के शयन कोण में चंड का स्थापन पूजन करें। फिर मंडप में धाम के गर्भ के बराबर उत्तम पीठ पर आसन की कल्पना करके पूर्वक न्यास, होम आदि का अनुष्ठान करें। फिर ध्यान पूर्वक सदोज्जात आदि की स्थापना करके वहाँ ब्रह्मांग द्वारा विधिवत पूजन करें। ब्रह्मांगों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है उसे सुनो। ओम सद्यो जाताय फट नमः, ओम विम वाम देवाय फट नमः, ओम मघुराय फट नमः। इसी प्रकार ओम तत्व पुरुषाय फट नमः, ओम हूं ईशानाय फट नमः। ये मंत्र है। इस प्रकार जब निवेदन करके तर्पण करने के पश्चात स्तुति विज्ञापना देकर चंडेश से प्रार्थना करें। ये चंडेश, जब तक श्री महादेव जी यहाँ विराजमान हैं, तब तक तुम भी इनके स्वामी विद्यमान रहो। मैंने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यायाधिक कर्म किया है वो सब तुम्हारे कृपा प्रसाद से पूर्ण हो जाए। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो। जहाँ बाणलिंग नर्मदेश्वर हो वहाँ चल लो मैं सुवर्णमय लिंग हो, जहाँ चल लो मैं सुवर्णमय लिंग हो, जहाँ सिद्ध लिंग ज्योतिर्लिंगादि तथा स्वयंभू लिंग हो, वहाँ और सब प्रकार की प्रतिमाओं पर चढ़े हुए निर्माल्य में चंडेश का अधिकार नहीं होता है। अद्वैत भावना युक्त यजमान तथा अस्थनलेश विधि में भी चंडेश का अधिकार नहीं होता है। चंड का पूजन करके स्नापक अभिषेक करने वाला गुरु अपनी ही पत्नी और पुत्र सहित यजमान को पूर्व स्थापित कलश के जल से स्नान करावे। यजमान भी स्नापक गुरु का महेश्वर की भांति पूजन करके धन की कंजूसी छोड़कर उन्हें भूमि और सुवर्ण आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात मूर्तिपालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणों का, ज्योतिषी का और शिल्पी का भी भली भांति विधिवत पूजन करके दीनों और अनाथों आदि को भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरु से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे भगवान, यह सम्मुख करने के लिए मैंने आपको जो कष्ट दिया है वो सब आप क्षमा करें, क्योंकि नाथ आप करुणा के सागर हैं, अतः मेरा सारा अपराध भूल जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले यजमान को सद्गुरु अपने हाथ से कुश पुष्प और अक्षत पुंज के साथ प्रतिष्ठा जनित पुण्य की सत्ता समर्पित करें, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारों के समान दीप्तिमान है। तदनंतर पाशुपत मंत्र का जप करके परमेश्वर को प्रणाम करने के अनंतर भूत गणों को बलि अर्पित करें और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यो निवेदन करें। आप लोगों को तब तक यहाँ स्थित रहना चाहिए जब तक महादेव जी यहाँ विराजमान है। वस्त्र आदि से युक्त याग मंडप को गुरु अपने अधिकार में ले ले तथा समस्त उपकरणों से युक्त स्थापन मंडप को शिल्पी ग्रहण करें। अन्य देवता आदि की आगभुक्त मंत्र द्वारा स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के वर्ण भेद के अनुसार उन देवता आदि के वर्ण भेद समझने चाहिए। वे अपने तेजस तत्व में व्याप्त है ऐसी भावना करनी चाहिए। साध्य आदि देवता, सरिताएं, औषधियां, क्षेत्रपाल और किन्नर आदि, ये सब पृथ्वी तत्व के आश्रित है। कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियों का स्थान जल में बताया गया है। भुवनाधिपतियों का स्थान वही है जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति, ये तीन तत्व ब्रह्मा के स्थान है। तन्मात्रा से लेकर प्रधान पर्यंत तीन तत्व श्रीहरि के स्थान है। नाट्येशगण, मात्रका, यक्षराज, कार्तिकेय तथा गणेश कांड जाति शुद्ध वेदांत तत्व है। मायांश देश से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व शिवा, शिव तथा उग्र तेज वाले सूर्य देव का स्थान है। व्यक्त प्रतिमाओं के लिए ईश्वर पर्यंत पद बताया गया है। स्थापना की सामग्री में जो कूर्म आदि का वर्णन किया गया है तथा जो रत्न आदि पांच वस्तुएं कही गई है
उन सबको देवपीठ के गर्त में डाल दें, परंतु पांच ब्रह्मशिलाओं को उसमें न डालें। मंदिर के गर्भ का छह भागों में विभाजन करके छठे भाग को त्याग दें और पांचवें भाग में देवता की स्थापना करें। अथवा मंदिर के गर्भ का आठ भाग करके सातवें भाग में प्रतिमाओं की स्थापना करें तो वो सुखावह होता है। लेप अथवा चित्रमय विग्रह की स्थापना में पंचभूतों की धारणाओं द्वारा विशक्ति होती है। वहां स्नान आदि कार्य जल से नहीं मानसिक किए जाते हैं। वैसे विग्रहों को शिला एवं रत्न आदि के भवन में रखना चाहिए। उनमें नेत्रोन मिलन तथा आसन आदि की कल्पना अभिष्ट है। इनकी पूजा जल रहित पुष्पों से करनी चाहिए जिससे चित्र दूषित न हो। अब चल लिंगों के लिए स्थापना की विधि बताई जाती है। गर्भस्थान के पांच अथवा तीन भाग करके एक भाग को छोड़ दे और तीसरे या दूसरे भाग में चल लिंग की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके पीठों के लिए भी करना चाहिए। लिंगों में तत्व भेद से पूजन की प्रक्रिया में भेद होता है। स्फटिक आदि के लिंग में इष्ट मंत्र से अथवा सृष्टि मंत्र से विधिवत संस्कार होना चाहिए। इसके सिवा महा ब्रह्मशिला एवं रत्न प्रभुति का निवेदन अपेक्षित नहीं है। पिंडिका की योजना भी मन से ही कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग और बाण लिंग आदि में संस्कार का नियम नहीं। उन लिंगों को संहिता मंत्रों से स्नान करना चाहिए। वैदिक विधि से ही उनके लिए न्यास और होम करना चाहिए। यदि समुद्र तथा आरोह इनके स्थापन कराने का विधान पूर्ववत है। इन लोक में जो मृतिका आदि के अथवा आटे आदि के शिवलिंग का पूजन किया जाता है वो तात्कालिक होता है, अर्थात पूजन काल में ही लिंग निर्माण करके वृक्षणादि विधान से उसकी शुद्धि करें। तत्पश्चात विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात मंत्रों को लेकर अपने आप में स्थापित करें और उस लिंग को जल में डाल दें। एक वर्ष तक ऐसा करने में वो लिंग और उसका पूजन मनोवांछित फल देने वाला होता है। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के मंत्र अलग है, उन्हीं के द्वारा उनकी स्थापना करनी चाहिए। गौरी प्रतिष्ठा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब मैं पूजा सहित गौरी की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा, सुनो। पूर्वोक्त मंडप आदि की रचना करके देवी की स्थापना एवं शय्याधिवासन करें। पूर्वोक्त मंत्रों और मृत्यादिकों का न्यास करके आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का परमेश्वर में स्थापन करें। तदनंतर पराशक्ति का न्यास, होम और जप पूर्ववत करके क्रियाशक्ति रूपिणी पिंडी का संधान करें। सर्वव्यापिनी पिंडी का ध्यान करके वहां रत्न आदि का न्यास करें। इस विधि से पिंडी की स्थापना करके उसके ऊपर देवी को स्थापित करें। वे देवी परम शक्ति स्वरूपा है, उनका अपने ही मंत्र से सृष्टि न्यास पूर्वक स्थापन करें। तदनंतर पीठ क्रिया में क्रिया शक्ति का और देवी में विग्रह में ज्ञान शक्ति का न्यास करें। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्ति का आवाहन करके देवी की प्रतिष्ठा में उसका नियोजन करें। शिवा नाम वाली अंबिका देवी का स्पर्श पूर्वक पूजन करें। पूजा के मंत्र इस प्रकार है, ओम आमाधार शक्तये नमः, ओम कुरुमाय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम हिम नारायण नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अद्वशसदनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः। तदनंतर केसरों की पूजा करें। तत्पश्चात ओम हिम कर्णिकाय नमः, ओम शं पुष्कराभ्यो नमः। इन मंत्रों द्वारा कर्णिका एवं कमलाक्षों का पूजन करें। इसके बाद ओम महापुष्टये नमः, ओम हिम ज्ञानाय नमः, ओम हिम क्रियाय नमः। इन मंत्रों द्वारा पुष्टि ज्ञान एवं क्रिया शक्ति का पूजन करें। ओम नालाय नमः, ओम रं धर्माय नमः, ओम रं ज्ञानाय नमः, ओम रं वैराग्याय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम रं अज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा नाल आदि की पूजा करें। ओम रं वाचे नमः, ओम हूं राज्ञिणे नमः, ओम हूं ज्वालिनये नमः, ओम हं शमाय नमः, ओम हं ज्येष्ठाय नमः, ओम रं रं क्रौं नौ शक्तये नमः। इन मंत्रों द्वारा वाक आदि शक्तियों की पूजा करें। ओम गौ गौर्यायासनाय नमः, ओम गौ गौरी मूर्तये नमः। अब गौरी का मूल मंत्र बताया जाता है। ओम हिम सम महागौरी रुद्रदयिति स्वाहा गौयम् नमः, ओम गामिर्दयाय नमः,
ओम गीशिर से स्वाहा, ओम गुम शिखाए वशट, ओम गए कवचाय हुम, ओम गो नेत्रत्राय वशट, ओम गास्त्राय पट, ओम गो विज्ञान शक्ते नमः। इन मंत्रों से शिखा आदि की पूजा करें। ओम गो क्रिया शक्ते नमः, इस मंत्र से क्रिया शक्ति की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवताओं का पूजन करें। इनके मंत्र पहले बताए गए हैं। ओम शुभगाय नमः, इसमें शुभगा का। ओम ह्रीं ललिताय नमः, से ललिता का पूजन करें। ओम ह्रीं कामिन्ने नमः, ओम ह्रीं कामलिन्ने नमः। इन मंत्रों से गौरी की प्रतिष्ठा, पूजा और जप करने से उपासक सब कुछ पा लेता है। भगवान शिव बोले, स्कंद अब मैं सूर्य देव की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पूर्वत मंडप निर्माण और स्नान आदि कार्य का संपादन करके पूर्वोक्त विधि से विद्या तथा सांग सूर्य देव का आसन शैया में न्यास करके त्रितत्व का, ईश्वर का तथा आकाश आदि पांच भूतों का न्यास करें। पूर्वत शुद्धि आदि करके पिंडी का शोधन करें, फिर सदेश पद पर्यंत तत्व पंचक का न्यास करें। तदनंतर सर्वोत्तमुखी शक्ति के साथ विधिवत स्थापना करके गुरु सूर्य संबंधी मंत्र बोलते हुए शक्तंत सूर्य का विधिवत स्थापन करें। श्री सूर्य देव का स्वायंतर अथवा पादांत नाम रखें तथा एक विक्रमादित्य स्वामी तथा रामादित्य पाद इत्यादि सूर्य के मंत्र पहले बताए गए हैं, उन्हीं का स्थापन काल में भी साक्षात्कार प्रयोग करना चाहिए। द्वार प्रतिष्ठा विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद अब मैं द्वारगत प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करूंगा। द्वार के अंगभूत उपकरणों का कसैले जल आदि से संस्कार करके उसे शैया पर रखें। द्वार की मूल मध्य और अग्रभागों में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का न्यास करके सन्निरोधनी मुद्रा द्वारा उनका निरोध करें। फिर तदनुरूप ओम और जप करके द्वार के अधोभाग में अनंत देवता के मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। वहीं रत्नादि पंचक स्थापित करके शांति होम करें। तत्पश्चात चौ, सरसों, बरनहटा, रिद्धि औषधि विशेष, वृद्धि औषधि विशेष, पीली सरसों, महातिल, गोमूत्र, गोपी चंदन, दरद, हिंगुलिया, चिंगरफ, नागेंद्र, नागकेसर, मोहिनी, त्रिपुर माली या पोई, लक्ष्मणा, सफेद कटेहरी, अमृता, गुरुचि, गुरुचन या लाल कमल, आरग्धवद, अमलताश या दुर्वा, इन पांच औषधियों को मंदिर के नीचे नींव में डालें तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजे के ऊपर भाग में उसकी रक्षा के लिए बांध दें। बांधते समय प्रणव मंत्र का उच्चारण करें। दरवाजे को कुछ उत्तर दिशा का आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिए। द्वार के अधोभाग में आत्म तत्व का, दोनों बाजुओं में विद्या तत्व का, आकाश देश खाली जगह में तथा संपूर्ण द्वार मंडल में सर्वव्यापी शिव तत्व का न्यास करें। इसके बाद मूल मंत्र से महेशनाथ का न्यास करना चाहिए। द्वार का आश्रय लेकर रहने वाली नंदी आदि द्वारपालों के लिए नमः पद से युक्त उनके नाम मंत्रों द्वारा 100 या 50 आहुतियाँ दें अथवा शक्ति हो तो इससे दूनी आहुतियाँ दें। न्यूनारिकता संबंधी दोष से छुटकारा पाने के लिए अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियाँ दें। तदनंतर पहले बताए अनुसार दिशाओं में बलि देकर दक्षिणा आदि प्रदान करें। प्रासाद प्रतिष्ठा। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद अब मैं प्रासाद मंदिर की स्थापना का वर्णन करता हूँ, उसमें चैतन्य का संबंध दिखा रहा हूँ। जहाँ मंदिर के गुंबज की समाप्ति होती है वहाँ पूर्व वेदी के मध्य भाग में आधार शक्ति का चिंतन करके प्रणव मंत्र से कमल का न्यास करें। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धातुओं में से किसी एक का बना हुआ कलश स्थापित करें। उसमें पंचगव्य मधु और दूध पड़ा हुआ हो, रत्न आदि पांच वस्तुएं डाली गई हो, कलश पर गंध का लेप हुआ हो, वो वस्त्र से आवृत हो तथा उसे सुगंधित पुष्पों से सुवासित किया गया हो, उस कलश के मुख में आम आदि पांच वृक्षों के पल्लव डाले गए हो। हृदय मंत्र से हृदय कमल की भावना करके उस कलश को वहाँ स्थापित करना चाहिए। तदनंतर गुरुपूरक प्राणायाम के द्वारा श्वास को भीतर लेकर शरीर के द्वारा सकलीकरण क्रिया का संपादन करके स्वसंबंधी मंत्र से कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को भीतर अवरुद्ध करें। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से सर्वात्मा से अभिन्न आत्मा जीव चैतन्य को जगावे। तत्पश्चात रेचक प्राणायाम द्वारा द्वादशांत स्थान से प्रज्वलित अग्निकर्ण के समान जीव चैतन्य को लेकर कलश के भीतर स्थापित करें और उसमें आतिवाहिक शरीर का न्यास करके उसके अवगुणों के बोधक काल आदि का एक ईश्वर सहित पृथ्वी पर्यंत तत्व समुदाय का भी उसमें निवेश करें।
इसके बाद उक्त कलश में 10 नाड़ियों, 10 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कमरेंद्रियों तथा मन बुद्धि और अहंकार इन 13 इंद्रियों तथा इनके अधिपतियों का भी उसी कलश में स्थापना करके प्रणव आदि नाम मंत्रों से उनका पूजन करें। अपने अपने कार्य के कारक रूप से जो माया पाश के नियामक हैं, उनका प्रेरक विद्वेश्वरों का तथा सर्वव्यापी शिव का भी अपने अपने मंत्र द्वारा वान्यास और पूजन करें। समस्त अंगों का भी न्यास करके अवरोधनी मुद्रा द्वारा उन सब का निरोध करें, अथवा सुवर्ण आदि धातुओं द्वारा निर्मित पुरुष की आकृति जो ठीक मानव शरीर के तुल्य हो लेकर उसे पूर्वत पंचगव्य एवं कसैल जल आदि से संस्कृत शुद्ध करें। फिर उसे शैया पर आसीन करके उमापति रुद्रदेव का ध्यान करते हुए शिव मंत्र से उस पुरुष शरीर में व्यापक रूप से उन्हीं का न्यास करें। उनके सन्निधान के लिए होम, रोक्षण, स्पर्श एवं जप करें। सन्निधापन तथा रोधक आदि सारा कार्य भागत्रय विभाग पूर्वक करें। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुष को पूर्वोक्त कलश में स्थापित कर दें। ध्वजारोपण। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, देव मंदिर में शिखर, ध्वज दंड एवं ध्वज की प्रतिष्ठा जिस प्रकार बताई गई है उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। शिखर के आधे भाग में शूल का प्रवेश हो अथवा संपूर्ण शूल के आधे भाग का शिखर में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए मंदिर में लकड़ी का शूल होना चाहिए और प्रस्तर निर्मित मंदिर में प्रस्तर का। विष्णु आदि के मंदिर में कलश को चक्र से संयुक्त करना चाहिए। वो कलश देव मूर्ति की माप के अनुरूप ही होना चाहिए। कलश यदि त्रिशूल से युक्त हो तो अगचूल या अगचूड़ नाम से प्रसिद्ध होता है। यदि उसके मस्तक भाग में शिवलिंग हो तो उसे इशूल कहते हैं, अथवा शिरोभाग में बिजौरे निम्बू की आकृति से युक्त होने पर भी उसका यही नाम है। शैव शास्त्रों में वैसे शूल का वर्णन मिलता है जिसकी ऊंचाई जंगा वेदी के बराबर अथवा जंगा वेदी के आधे माप की हो, वो चित्रध्वज कहा गया है। अथवा उसका मान दंड के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार रखे। जो पीठ को आविष्टित कर ले वो महाध्वज कहा गया है। 14, 9 अथवा 6 हाथों के माप का दंड क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम माना गया है। ये विद्वान पुरुषों द्वारा जानने के योग्य है। ध्वज का दंड बांस का अथवा साहू आदि का हो तो वो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। ये ध्वज आरोहण करते समय यदि टूट जाए तो राजा अथवा यजमान के लिए अनिष्ट कारक होता है, ऐसा जानना चाहिए। उस दशा में बहुरूप मंत्र द्वारा पूर्वत शांति करें। द्वारपाल आदि का पूजन तथा मंत्रों का तर्पण करके ध्वज और उसके दंड को अस्त्र मंत्रों से नहलावें। गुरु इसी मंत्र से ध्वज का प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कसैले जल आदि से मंदिर को भी स्नान करावें। चूलक ध्वज के ऊपरी भाग में गंधा आदि का लेप करके उसे वस्त्र से आच्छादित करें। फिर पूर्वत उसे शैया पर रखकर उसमें लिंग की भांति न्यास करना चाहिए, परंतु चूलक में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का न्यास न करें। वहां विशेषार्थ बोधि का चतुर्थी भी वांछित नहीं है और न उसके लिए कुंभ या कुंड की ही कल्पना आवश्यक है। दंड में आत्म तत्व का, विद्या तत्व का तथा सदोज्जात आदि 5 मुखों का न्यास करें। फिर ध्वज में शिव तत्व का न्यास करें। वहां निष्कल शिव का न्यास करके हृदय आदि अंगों की पूजा करें। तदनंतर मंत्रज्ञ गुरुध्वज और वजाग्र भाग में सन्नधिकरण के लिए फणंत संहिता मंत्रों द्वारा प्रत्येक भाग में होम करें। किसी और प्रकार से भी कहीं जो ध्वज संस्कार किया गया है वो भी इस प्रकार अस्त्र याग करके ही करना चाहिए। ये सब बातें मनुष्य पुरुषों ने करके दिखाई। मंदिर को नहलाकर पुष्पहार और वस्त्र आदि से विभूषित करके जंगा वेदी के ऊपरी भाग में त्रितत्व आदि का न्यास, होम आदि का विधान एवं शिव का पूर्वक पूजन करके उसके सर्वतत्मय व्यापक स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यापक न्यास करें। भगवान शिव के चरणारविंद में अनंत एवं काल रुद्र की भावना करके पीठ में कुष्मांड, हाटक, पाताल तथा नरकों की भावना। तदनंतर भुवनों, लोकपालों तथा शत्रुद्रादि से घिरे हुए इस ब्रह्मांड का ध्यान करके जंगा वेदी में स्थापित करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप 5 अष्टक, सर्वावरण संज्ञक, बुद्धिन्मोक्षक, योगाष्टक, प्रलय पर्यंत रहने वाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम सिंह, इन सबका भी जंगा वेदी में चिंतन करें। किन्तु मंजरी वेदिका में विद्यादि 4 तत्वों की भावना करें। कंठ में माया और रुद्र का, अमलासार में विद्याओं का तथा कलश में ईश्वर बिंदु और विद्वेश्वर का चिंतन करें। चंद्रार्ध स्वरूप शूल में जटाजूट की भावना करें। उसी शूल में त्रिविध शक्तियों की तथा दंड में नाभि की भावना करके ध्वज में कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करें। इस प्रकार मंदिर के अवयवों में विभिन्न तत्वों की भावना करनी चाहिए। जगत से धाम, प्रासाद या मंदिर का
तथा पिंडिका से लिंग का संधान करके शेष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत करना चाहिए। इसके बाद गुरु वाद्यों के मंगलमय घोष तथा वेद ध्वनि के साथ मूर्तिधरों सहित शिवरूप मूल वाले ध्वज दंड को उतार कर जहाँ मंत्रोच्चारण पूर्वक शक्तिमय कमल का न्यास हुआ है तथा रत्नादि पंचक का भी न्यास हो गया है वहाँ आधार भूमि में उसे स्थापित कर दे। जब प्रासाद शिखर पर ध्वज लग जाए तब यजमान अपने मित्रों और बंधुओं आदि के साथ मंदिर की परिक्रमा करके अभिष्ट फल का भागी होता है। गुरु को चाहिए कि वो अस्त्र आदि के साथ पाशुपत का चिरकाल तक चिंतन करते हुए उन सब के शस्त्र युक्त अधिपतियों को मंदिर की रक्षा के लिए निवेदित करें। न्यूनता आदि दोष की शांति के लिए होम दान और दिग्बलि करके यजमान गुरु को दक्षिणा दे। ऐसा करके वो दिव्य धाम में जाता है। प्रतिमा लिंग और वेदी के जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र युगों तक मंदिर का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करने वाला यजमान दिव्य लोक में उत्तम भोग भोगता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है। शिवलिंग आदि के जीर्णोद्धार की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद जीर्ण आदि लिंगों के विधिवत उद्धार का प्रकार बता रहा हूँ। जिसका चिन्ह मिट गया हो, जो टूट फूट गया हो, मैल आदि से स्थूल हो गया हो, वज्र से आहत हुआ हो, संपुटित बंद हो, फट गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो तथा जो इसी तरह के अन्य विकारों से ग्रस्त हो, ऐसे दूषित लिंगों की पिंडी तथा वृषभ का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो शिवलिंग किसी के द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अन्य नीचा हो गया हो, विषम स्थान में स्थित हो, जहाँ दिग्मोह हो गया हो, जो किसी के द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो, ऐसे लिंग की पुनः ठीक से स्थापना कर देनी चाहिए। परंतु यदि वो वर्ण रहित हो तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वो नदी के जल प्रवाह द्वारा वहां से अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उस स्थान से अन्यत्र भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिंग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विचलित करना या चलाना नहीं चाहिए। जो अस्थिर या अदृढ़ हो उस शिवलिंग को यदि चालित करे तो उसकी शांति के लिए 1000 आहुतियां दे तथा 100 आहुतियां देकर पुनः उसकी स्थापना करे। जीर्णता आदि दोषों से युक्त शिवलिंग भी यदि नित्य पूजा अर्चा आदि से युक्त हो तो उसे स्वस्थित रहने दे, चालित न करे। जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण दिशा में 1 मंडप बनावे। ईशान कोण में पश्चिम द्वार का 1 फाटक लगा दे। द्वार पूजा आदि करके वेदी पर शिवजी की पूजा करे। इसके बाद मंत्रों का पूजन और तर्पण करके वास्तु देवता की पूर्वत पूजा करे। तदनंतर बाहर जा, दिशाओं में बलि दे, स्वयं आचमन करने के पश्चात गुरु ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात भगवान शंकर को इस प्रकार विज्ञप्ति दे, शंभो वो लिंग दोष युक्त हो गया है, उसके उद्धार करने से शांति होगी, ऐसा आपका वचन है, अतः विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव इसके लिए आप मेरे भीतर स्थित होइए और अधिष्ठाता बनकर इस कार्य का संपादन कीजिए। देवेश्वर शिव को इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और धृत मिश्रित खीर एवं दुर्वा द्वारा मूल मंत्र से 108 आहुतियां देकर शांति होम का कार्य संपन्न करें। तदनंतर लिंग को स्नान कराकर वेदी पर इसकी पूजा करें। पूजन काल में ओम व्यापक शराय शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। अंग पूजा तथा अंग न्यास मंत्र इस प्रकार है, ओम व्यापक शराय हृदय नमः, ओम व्यापक शराय शिरसे स्वाहा, ओम व्यापक शराय शिराय वशट, व्यापक शराय कवचाय हम, व्यापक शराय नेत्राय स्नौषट, ओम व्यापक शराय अस्त्राय फट। तत्पश्चात उस शिवलिंग के आश्रित रहने वाले भूत को अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक सुनावे। यदि कोई भूत प्राणी यहाँ इस लिंग का आश्रय लेकर रहता है वो भगवान शिव की आज्ञा से इस लिंग को त्याग कर जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाए। अब वहाँ विद्या तथा विद्वेश्वरों के साथ साक्षात भगवान शंभु निवास करेंगे। इसके बाद पाशुपत मंत्र से प्रत्येक भाग के लिए 1000 आहुतियाँ देकर शांति जल से प्रोक्षण करें। फिर कुशों द्वारा स्पर्श करके उक्त मंत्र को जपें। तदनंतर विलोम क्रम से अर्घ देकर लिंग और पिंडिका में स्थित तत्वों तत्वाधिपतियों और अष्ट मूर्तेश्वरों का गुरु स्वर्ण पाश से विसर्जन करके वृषभ के कंधे पर स्थित रज्जु द्वारा उसे बांध कर ले जाए तथा जन समुदाय के साथ शिव नाम का कीर्तन करते हुए उस वृषभ नंदिकेश्वर को जल में डाल दे। फिर मंत्रज्ञ आचार्य पुष्टि के लिए 100 आहुतियां दे। दिक्पालों की तृप्ति तथा वास्तु शुद्धि के लिए भी 100 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात
महापशुपत मंत्र से उस मंदिर में रक्षा की व्यवस्था करके गुरु वहाँ विधि पूर्वक दूसरे लिंग की स्थापना करे। असुरों, मुनियों, देवताओं तथा तत्ववेत्ताओं द्वारा स्थापित लिंग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधि के अनुसार ही उसे चालित न करे। जीर्ण मंदिर के उद्धार में यही विधि काम में लानी चाहिए। मंत्र गणों का खंग में न्यास करके दूसरा मंदिर तैयार करवावे। यदि पहले की अपेक्षा मंदिर को संकुचित या छोटा कर दिया जाए तो कर्ता की मृत्यु होती है और विस्तार किया जाए तो धन का नाश होता है। अतः प्राचीन मंदिर के द्रव्य को लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहले के मंदिर के बराबर ही उस स्थान पर नूतन मंदिर का निर्माण करना चाहिए। प्रासाद के लक्षण। भगवान शंकर कहते हैं, ध्वजा में मयूर का चिन्ह धारण करने वाले स्कंद, अब मैं प्रासाद सामान्य का लक्षण कहता हूँ। चाकोर क्षेत्र के चार भाग करके एक भाग में भित्ति दीवारों का विस्तार हो, बीच के भाग गर्भ के रूप में रहे और एक भाग को पिंडिका हो, पांच भाग वाले क्षेत्र के भीतरी भाग में तो पिंडिका हो, एक भाग का विस्तार क्षेत्र शून्य या खाली जगह के रूप में तथा एक भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्य गर्भ में दो भाग और ज्येष्ठ गर्भ में भी दो भाग ही रहे, किंतु कनिष्ठ गर्भ तीन भागों से संपन्न होता है। श्रेष्ठ आठवा भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाए, ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। छह भागों द्वारा विभक्त क्षेत्रों में एक भाग का विस्तार दीवार के उपयोग में आता है, एक भाग का विस्तार गर्भ है और दो भागों में पिंडिका स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा दुगुनी, सवा दुगुनी, ढाई गुनी अथवा तीन गुनी भी होने का विधान मिलता है। कहीं कहीं प्रासाद मंदिर के चारों ओर दीवार के या पौने विस्तार की जगत होती है और चौथाई विस्तार की नेमी बीच में एक तृतीयांश की परत ही होती है। वहाँ रथ बनवावे और उसमें चामुंड, भैरव तथा नाट्येश की स्थापना करें। प्रासाद के आधे विस्तार में चारों ओर बाहरी भाग में देवताओं के लिए आठ या चार परिक्रमाएं बनवावे। प्रासाद आदि में इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवावे चाहे न बनवावे। आदित्यों की स्थापना पूर्व दिशा में और स्कंद एवं अग्नि की प्रतिष्ठा वायव्य दिशा में करनी चाहिए। इसी प्रकार यम आदि देवताओं की स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशा में मानी गई है। शिखर के चार भाग करके नीचे के दो भागों की शुकनासिका गुंबज संज्ञा है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा है। इससे आगे का जो भाग है वही अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ, वैराज, पुष्पक, कैलाश, मणिक और त्रिविष्टक, ये पांच ही प्रासाद मेरु के शिखर पर विराजमान है। अतः प्रासाद के ये ही पांच मुख्य भेद माने गए हैं। इनमें पहला वैराज नाम वाला प्रासाद चतुरस्र चौकोर होता है, दूसरा पुष्पक चतुरायस्त, तीसरा कैलाश वृत्ताकार है, चौथा मणिक वृत्तायत तथा पांचवा त्रिविष्ट अष्टकोणाकार है। इनमें से प्रत्येक के नौ नौ भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद है। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, पांचवा सर्वतोभद्र, छठवा रोचक, सातवां नंदक अथवा नंदन, आठवां वर्धमान नंदी अर्थात नंदीवर्धन और नवा श्रीवत्स, ये नौ प्रासाद वैराज के कुल प्रकट हुए। वल्लभ ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर विशाल, चमस, ब्रह्म मंदिर, भुवन, प्रभाव और शिविकावेश, ये नौ प्रासाद पुष्पक से प्रकट हुए। वलय, ददम्भ, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णियों, शंख, कलश और खवृक्ष, ये नौ वृत्ताकार प्रासाद कैलाश पुर में उत्पन्न हुए। गज, वृषभ, हंस, गुरुत्मान, वृक्षनायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, ये नौ वृत्तायक प्रासाद मणिक नामक मुख्य प्रासाद से प्रकट हुए। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्र स्वस्तिक अथवा वज्र हस्तक, चित्र स्वस्तिक, खंग, गदा, श्रीकंठ और विजय, ये नौ प्रासाद त्रिविष्टप से प्रकट हुए हैं। ये नगरों की भी संज्ञाएं हैं, ये हिलाट आदि की भी संज्ञाएं हैं। शिखर के जो ग्रीवा या कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल छोटी हो, उसकी मोटाई कंठ के तृतीयांश के बराबर हो। वेदी के 10 भाग करके 5 भागों द्वारा स्कंद का विस्तार करना चाहिए, 3 भागों द्वारा कंठ और 4 भागों द्वारा उसका अंड या प्रचंड बनाना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिए, कोणों में कदापि नहीं। पिंडी का विस्तार कोण तक जाना चाहिए, मध्यम भाग तक उसकी समाप्ति हो, ऐसा विधान। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के चौथे या पांचवें भाग से दूरी रखनी चाहिए, अथवा इन विषय को अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। 160 अंगुल की ऊंचाई से लेकर 10-10 अंगुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गए हैं। जैसे 160, 150, 140 और 130 अंगुल तक ऊंचे द्वार उत्तम कोटि में गिने जाते हैं। 120, 110 और 100 अंगुल ऊंचे द्वार मध्यम श्रेणी के अंतर्गत है, तथा इससे कम 90, 80 और 70 अंगुल ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं।
द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई उक्त माप से 3, 4, 8 या 10 अंगुल भी हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं, बाजुओं का अथवा उन सब की ही चौड़ाई द्वार की चौड़ाई से आधी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। 3, 5, 7 तथा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फल को देने वाला है। नीचे की जो शाखा है उसके 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करें। शीर्ष शाखाओं को स्त्री पुरुषों के जोड़े की आकृतियों से विभूषित करें। द्वार के ठीक सामने खंभा पड़े तो स्तंभ वेद नामक दोष होता है, इससे गृह स्वामी को दासता प्राप्त होती है। वृक्ष से भेद हो तो ऐश्वर्य का नाश होता है, कुप से भेद हो तो भय की प्राप्ति होती है। प्रासाद गृह एवं शाला आदि के मार्गों से द्वारों के विद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा से वेद प्राप्त होने पर दरिद्रता होती है तथा वर्ण से भेद हो तो निराकरण तिरस्कार प्राप्त होता है। उलुखल से भेद हो तो दारिद्र, शिला से भेद हो तो शत्रुता और छाया से भेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सबका छेदन अथवा उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता। इनके बीच में चार दीवारी उठा दी जाए तो भी वेद दोष दूर हो जाता है, अथवा सीमा से दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हो तो भी वेद दोष नहीं होता है। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद नगर ग्राम तथा दुर्ग आदि में ग्रहों और प्रासादों की वृद्धि हो, इसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तु मंडल बनाकर उसमें वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर और 10 दक्षिण से उत्तर की ओर खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुखी 10 रेखाएं 10 नाड़ियों की प्रतीक भूता है। उन नाड़ियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं, शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नंदा, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियाँ और हैं, जो 9 पदों को 81 पदों में विभाजित करती हैं। इनके नाम ये हैं, हिरणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला और विशोका। सूत्रपात करने से ये रेखामय नाड़ियाँ अभिव्यक्त होकर चिंतन का विषय बनती है। विषादी 8-8 देवता अष्टक है, जिनका 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि 4 दिशाओं के पृथक पृथक अष्टक है, ईश, धन, पर्जन्य, जय, जयंत, शक्र, इंद्र, अर्क, आदित्य या सूर्य, सत्य, वृष और यौम, आकाश। इन 8 देवताओं का वास्तु मंडल में पूर्व दिशा के पदों में पूजन करना चाहिए। हवयाव अग्नि, उषा, वितथ, सौम, सोमपुत्र, ग्रहक्षक, प्रतान, यम, गंधर्व, भृंग, भृंगराज और मृग, इन 8 देवताओं की दक्षिण दिशा के पदों में अर्चना करनी चाहिए। पितर, द्वारपाल या दौवारी, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, दैत्य, असुर, शेष या शोष या यक्ष्मा, पायक्ष्मा, इन 8 का सदा पश्चिम दिशा के पदों में पूजन करने की विधि है। रोग, अहि, नाग, मुख्य भल्लाट, सोम, शैल ऋषि, आदित्य और दिति, इन 8 की उत्तर दिशा के पदों में पूजा होनी चाहिए। वास्तु मंडल के मध्यवर्ती 9 पदों में ब्रह्मा जी पूजित होते हैं और शेष 48 पदों में से आधे में अर्थात 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं, जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी के चारों ओर एक एक करके 4 देवता षटपद गामी हैं, जैसे पूर्व में मरीचि या अर्यमा, दक्षिण में व्यवस्वान, पश्चिम में मित्र देवता तथा उत्तर में पृथ्वीधर। ब्रह्मा जी तथा इष्ट के मध्यवर्ती कोष्ठकों में जो 2 पद हैं उनमें आपकी तथा नीचे वाले 2 पदों में आप वत्स की पूजा करें। इसके बाद 6 पदों में मरीचि का अर्चन करें। मरीचि और अग्नि के बीच में जो कोणवर्ती 2 पद हैं, उसमें सविता की स्थिति है, उसमें निम्न भाग में 2 पदों में सावित्री तेज या सावित्री की, उसके नीचे 6 भागों में वसवान विद्यमान है। पितरों और ब्रह्मा जी के बीच के जो 2 पदों में विष्णु इंदु स्थित है और नीचे के 2 पदों में इंद्रजय विद्यमान है, इनको पूजा करें। वरुण और ब्रह्मा के मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता का यजन करें। रोग तथा ब्रह्मा के बीच 2 पदों में रुद्रदास की पूजा करें और नीचे के 2 पदों में यक्ष्म की। फिर उत्तर के 6 पदों में धराधर पृथ्वीधर का यजन करें। फिर मंडल के बाहर ईशनादि कोणों के क्रम से चरकी, स्कंद, बिंदिका, विकेट, पूतना, जम, पापा, पाप राक्षसी तथा पिलिपिच्छया, पिलिपित, इन बाल ग्रहों की पूजा करें। ये 81 पद वाले वास्तु चक्र का वर्णन हुआ। 100 पद मंडप भी होता है, उसमें भी पूर्वत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपथ चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थित मरीचि, विवस्वान, मित्र तथा पृथ्वीधर की 10-10 पदों में पूजा का विधान। अन्य जो ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जैसे देवतों की माता दिति और ईश, अग्नि तथा मृग,
उषा और पितर तथा पाप यक्षमा और अनिल रोग ये सब के सब डेढ़ डेढ़ पद में अवस्थित है। स्कंद, अब मैं यज्ञ आदि के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप से तथा क्रमशः वर्णन करूंगा। 30 हाथ लंबा और 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव का आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11-11 भाग घटा देने पर 19 हाथ लंबा और 17 हाथ चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा और 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा तथा 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो वो सावित्र संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य ग्रहों का विस्तार आंशिक होता है। दीवार की जो मोटी उपजंगा कुर्सी होती है उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए जो सूत से मान निश्चित किया गया हो उसके बराबर ही उसके सामने भूमि सहन होनी चाहिए। ये विधि के भेद से अनेक भेद वाली होती है। भद्र नाम प्रासाद में विधिका के समान ही द्वार विधि होती है। केवल विधि का अग्रभाग द्वार विधि में नहीं होता है। श्रीय नामक प्रासाद में जो द्वार विधि होती है उसमें विधि का पृष्ठ भाग नहीं होता है। विधि के पार्श्व भागों को द्वार विधि में कम कर दिया जाए तो उससे उपलक्षित प्रासाद की भी भद्र संज्ञा ही होती है। गर्भ के विस्तार की भांति विधि का भी विस्तार होता है। कहीं कहीं उसके आधे या चौथाई भाग के बराबर भी होता है। विधि के आधे मान से उपविधि आदि का निर्माण करना चाहिए। वो एक दो या तीन पुरों से युक्त होता है। अब अन्य साधारण ग्रहों के विषय में बताया जाता है। ग्रह का वैसा स्वरूप हो तो वह सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाले वाले को ग्रह की शाला दक्षिण मान में बनती है और उसका दरवाजा उत्तर की ओर होता है। यदि दो शालाएं बनानी हो तो पश्चिम और पूर्व में बनवाएं। उनका द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की ओर रखें। चार शालाओं वाला ग्रह चार द्वारों और अलिंदों से युक्त होने के कारण सर्वतोमुख होता है। वो ग्रह स्वामी के लिए कल्याणकारी होता है। पश्चिम दिशा की ओर दो शालाएं हो तो उस विशाल ग्रह को यमसूर्य कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की ओर शालाएं हो तो उस ग्रह की दंड संज्ञा है तथा पूर्व दिशा दक्षिण की ओर दो शालाएं हो तो वो ग्रह वात संज्ञक होता है। जिस तीन शाला वाले ग्रह में पूर्व दिशा की ओर शाला न हो तो उसे सुक्षेत्र कहा गया है। वो बुद्धिदायक होता है। यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला न हो और अन्य दिशाओं में हो तो उस घर की विशाल संख्या है। वो कुलक्षयकारी तथा अत्यंत भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशा में ही शाला न बनी हो उस विशाल ग्रह को पक्षध्वन्न कहते हैं। वो पुत्र हानिकारक तथा बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करता हूँ। ध्वज धूम सिंह श्वान वृषभ खर गधा हाथी और काक यही 8ों के नाम है। पूर्व दिशा में स्नान और अनुग्रह लोगों से कृपा पूर्वक मिलने के लिए घर बनवावे। अग्निकोण में उसका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रसक्रिया तथा शैया शयन के लिए घर बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशा में धन रत्न आदि के लिए कोषागार रखे। वायव्य कोण में सम्यक अन्नागार स्थापित करें। उत्तर दिशा में धन और पशुओं को रखे तथा ईशान कोण में दीक्षा के लिए उत्तम भवन बनवावे। ग्रह स्वामी के हाथ से नापे हुए ग्रह का जो पिंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के हस्तमान को तिगुना करके उसमें 8 से भाग दें। उस भाग का जो शेष हो तदनुसार ये ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसी से ध्वज आदि कातांत आय का ज्ञान होता है। 2, 3, 4, 6, 7 और 8 शेष बचे तो उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य 5वें और अंतिम काक में ग्रह की स्थिति हुई तो वो ग्रह सर्वनाशकारी होता है। इसलिए 8 भागों को छोड़कर 9वें भाग में बना हुआ घर शुभ कारक होता है। इस 9वें भाग में ही मंडप उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाई से लंबाई दोगुनी रहे। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बाजार में ही ग्रह पंगी देखी जाती है। एक एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8-8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों के क्रमशः फल भी पृथक पृथक कहे जाते हैं। भय नारी की चपलता जय वृद्धि प्रताप धर्म कलह तथा निर्धनता ये पूर्ववर्ती 8 के द्वारा अवश्यंभावी फल है। दाह दुख सुहन्नाश धननाश मृत्यु धन शिल्प ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति ये दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के फल है। आयु संन्यास सस धन शांति अर्धनाश शोषण भोग एवं संतान की प्राप्ति ये पश्चिम द्वार के फल है। रोग मद आरती मुख्यता अर्थ आयु कृष्णता और मान ये क्रमशः उत्तर दिशा के द्वार के फल है। नगर आदि के वास्तु का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिके अब मैं राज्यादि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करता हूँ। नगर निर्माण के लिए एक योजन या आदि योजन भूमि ग्रहण करें।
वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्राकार से संयुक्त करें। प्रसादी 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के समीप दक्षिण द्वार, वरुण के निकट पश्चिम द्वार और सोम के समीप उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ जा सके। नगर छिन्नकर्ण भग्न तथा अर्ध चंद्राकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूच मुख नगर भी इतकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्र नाभाव नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावे। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीवी वारंगनाओं के भवन हो। नैऋत्य कोण में नट कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथाकार आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मध्य विक्रेता कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण यति सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावें। ईशान कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं वणिज जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष रहे। आग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्यों तथा नैऋत्य कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखें। पश्चिम में महामात कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडाधिकारी नायक तथा द्विजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वैद्यों को और अश्वों को तथा सेना को चारों ओर रखें। राजा पूर्व में गुप्तचरों, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवेश करें। मलेच्छों को दिक् कोणों में स्थान दें अथवा ग्रामों में स्थापित करें। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करें, जो उन दोनों का दर्शन करते हैं। उन्हें लक्ष्मी संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा में स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के मंदिर बनवावे। देव शून्य नगर ग्राम दुर्ग तथा गृह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं और वो रोग समूह से परिभूत हो जाता है। उपयुक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, अग्नि कोण में पाक गृह रसोई घर, दक्षिण में शयन गृह, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन गृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवगृह बनवाना चाहिए। नगर में 1 शाल, 2 शाल, 3 शाल या चतुःशाल गृह का निर्माण होना चाहिए। चतुःशाल गृह के शाला और अलिंद प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उनमें भी चतुःशाल गृह के 55, 3 शाल गृह के 4 और 2 शाल के 5 भेद होते हैं। 1 शाल ग्रह के 4 भेद हैं। अब मैं अलिंद युक्त ग्रह के विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। ग्रह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 अलिंद होते हैं। 4 तथा 7 अलिंदों से 55, 6 अलिंदों से 20 तथा 8 अलिंदों से भी 20 भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदि में 8 अलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। भुवन कोश पृथ्वी द्वीप आदि तथा स्वयंभू स्वर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षणों का वर्णन करूंगा। आग्निद्र, अग्निबाहु व पुष्पान, द्वितीयमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन और शय, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनका 10वां यथार्थ नामा पुत्र ज्योतिषमान था। प्रियव्रत के पुत्र विश्व में विख्यात थे। पिता ने उनको 7 द्वीप प्रदान किए। आग्निद्र को जम्बुद्वीप एवं मेघातिथि को लक्षद्वीप दिया। व पुष्पान को शाल्मिली द्वीप, ज्योतिषमान को कुशद्वीप, द्वितीयमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को शाप द्वीप में अभिवक्षित किया। सवन को पुष्कर द्वीप प्रदान किया। शेष 3 को कोई स्वतंत्र द्वीप नहीं मिला। आग्निद्र ने अपने पुत्रों में लाखों योजन विशाल जम्बू द्वीप को इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभि को हिमवर्ष आधुनिक भारतवर्ष प्रदान किया। किम पुरुष को हेमकुट वर्ष, हरिवर्ष को नैषध वर्ष, इलावृत को मध्य भाग में मेरु पर्वत से युक्त इलावृत वर्ष, रम्यक को नीलाचल से आश्रित रम्यक वर्ष, हिरण्यवान को श्वेत वर्ष एवं कुरु को उत्तर कुश वर्ष दिया। उन्हें भद्रवाक्ष को भद्रावर्ष तथा केतुमाल को मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का शासन प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रों को उपर्युक्त द्वीपों में अभिषिक्त करके वन में चले गए। वे नरेश शालग्राम क्षेत्र में तपस्या करके विष्णु लोक को प्राप्त हुए। मुनिश्रेष्ठ, किम पुरुषादि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं है और ना धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम और अधम आदि का ही भेद है। वह सब समान है। वहाँ कभी युग परिवर्तन नहीं होता। हिमवर्ष के शासक नाभि के मेरु देवी से ऋषभदेव पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए।
ऋषभदेव ने भरत पर राज्य लक्ष्मी का भार छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में श्री हरि की शरण की। भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भरत से सुमति हुए। भरत ने सुमति को राज्य लक्ष्मी देकर शालग्राम क्षेत्र में श्री हरि की शरण ली। उन योगी राज ने योगाभ्यास में तत्पर होकर प्राणों का परित्याग किया। इनका वो चरित्र तुमसे मैं फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति के वीर से इंद्रधनु का जन्म हुआ। उससे परम शेषकी और परम शेषकी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता के भाव, भाव के उद्गित, उद्गित के प्रस्तार, प्रस्तार के विभु नामक पुत्र हुआ। विभु का पृथु, पृथु का नक्त एवं नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर नामक पुत्र और नर के विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट का पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्य हुआ। मनस्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का वीरज और वीरज का पुत्र रज हुआ। मुने रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से विश्वज्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्ष की अभिवृद्धि हुई। कृत्रेतादि युग क्रम से ये स्वयं भू मनु का वंश माना गया है। भुवन कोश वर्णन के प्रसंग में भूमंडल के द्वीप आदि का परिचय। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, जम्बु, प्लक्ष, महान, शालमिली, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर। ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे जल, इक्षुरस, मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बुद्वीप उन सब द्वीपों के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में मेरु पर्वत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार 84,000 योजन है और ये पर्वतराज 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे की गहराई में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। इसके बीच के दो पर्वत निषद और नील 1,100,000 योजन तक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे 10,000 योजन कम है। वे सभी 2,000 योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजश्रेष्ठ मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला वर्ष भारत वर्ष है और दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष माना जाता है। उत्तर की ओर रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर कुरु वर्ष है जो भारत वर्ष के ही समान है। मुनि प्रवर, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग, इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर चार पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने वाले ईश्वर निर्मित आधार स्तंभ है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, पार्श्व में और सुपार्श्व में उत्तर में है। ये सभी पर्वत 10,000 योजन विस्तृत है। इन पर्वतों पर 1,100 योजन विस्तृत कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं, जो इन पर्वतों की पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें से जम्बू वृक्ष ही जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रस से जम्बू नदी प्रवाहित होती है। इसी से परम उत्तम जम्बू नद सुवर्ण का प्रादुर्भाव होता है। मेरु के पूर्व में भद्रवाक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभाज्र और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में अरुणोद, महाव्रत, शीतोद और मानस ये चार सरोवर है। सीताम्ब तथा चक्रमुंज आदि भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशावर्ती केसर स्थानीय अचल है। दक्षिण में त्रिकूट आदि, पश्चिम में शिखिवास प्रभृति और उत्तर दिशा में शंखकूट आदि ये केसराचल है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की पुरी है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। ब्रह्मापुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के नगर है। इसी ब्रह्मपुरी से श्री विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को आप्लावित करते हुए स्वर्गलोक से नीचे उतरती है। पूर्व में सीता अथवा सीता नदी भद्रवाक्ष पर्वत से निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा भी दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीलाचल एवं निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्रवाक्ष और उत्तर कुरु वर्ष श्लोक पद्म के दल है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है। ये उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत गंधमादन एवं कैलाश ये दो पर्वत 80,000 योजन विस्तृत है।
पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की ओर विनिषद और पारियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत है जो अपने मूल भाग से समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और रुधिर नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में व्यवस्थित है। इस प्रकार जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषि प्रवर, केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां है उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के नगर है। ये भौम होते हुए भी स्वर्ग के समान है। इनमें पापात्मा पुरुषों का प्रवेश नहीं हो पाता। श्री विष्णु भगवान भद्रवाक्ष वर्ष में, हयग्रीव के रूप से केतुमाल वर्ष में, वराह रूप से भारत वर्ष में, कूर्मकर्म के रूप में तथा उत्तर पूर्व वर्ष में मत्स्य के रूप से निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विश्व रूप से सर्वत्र पूजित होते हैं। किम पुरुष आदि आठ वर्षों में शुद्धा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं होता। उनमें प्रजाजन 24,000 वर्ष तक रोग शोक रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेता आदि युगों की कल्पना नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पार्थिव जल रहा है। इन सभी वर्षों में साथ साथ कुलाचल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां हैं। अब मैं भारत वर्ष में जो तीर्थ है उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ।